अभी हम लोग पूज्यपाद भक्ति सम्मंतुराश्री महाराज जी के बारे में 5 मिनट श्रवण करेंगे। उसके बाद प्रभु जी अपनी मधुर स्मृतियों को हमारे साथ साझा करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, आज पूज्यपाद भक्ति सम्मंतुराश्री महाराज जी की शुभ आविर्भाव तिथि है और महाराज जी प्रभुपाद जी के परिकर हैं, नित्य धाम से आए हैं। इनका जन्म मंगलवार 26 दिसंबर 1893 को हुआ और बड़े अच्छे परिवार में। इनके पिताजी का नाम था जनार्दन दास और माताजी का नाम था सरस्वती देवी। इनकी त्रुवा तिथि हम कुछ एक आध मेरे ख्याल से एक महीने पहले मना चुके हैं, तो आप सब जानते होंगे, मैं इनको रिपीट कर देता हूँ। और इनका जन्म, इनका जो गांव था वो था पटना नरेल जैसोर में, बांग्लादेश। और जब ये इनका आविर्भाव हुआ तो बहुत ही सुंदर इनका आकार था, रूप था, तो इनके माता पिता ने इतना सुंदर रूप देके इनका नाम रखा भुवन मोहन, जो पूरे संसार को मोहित करता है उसको भुवन मोहन कहते हैं। इनके पिताजी जनार्दन दास जो हैं वो एक मैनेजर काम करते थे प्राइवेट फर्म में, और भुवन मोहन जो है वहाँ पे खुलना नामक स्थान में अपनी पढ़ाई करते थे बांग्लादेश में। और पूज्यपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जो है वो खुलना हर हफ्ते ही जाया करते थे प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु का मैसेज लेके। तो एक बार ऐसे ही जब वो आए हुए थे खुलना में, तो वहां पे भुवन मोहन जी ने प्रभुपाद जी से भेंट की और भेंट करने के बाद उनको बहुत अच्छा लगा। और कुछ समय बाद भुवन मोहन बाग बाजार गौड़ी मठ पहुंच गए कलकत्ता में श्री प्रभुपाद जी से मिलने। वहां पे जाके इनकी मुलाकात हुई। प्रभुपाद जी से मिलके भुवन मोहन वापस अपने घर आ गए, लेकिन इनका मन अब प्रभुपाद जी ने चुरा लिया था। और वापस आने के बाद इनके माता पिता जी ने देखा कि इनका मन कहीं लग नहीं रहा, तो इनको लगा कि इनकी जल्दी से इनका विवाह कर देना चाहिए, और एक बार ये गृहस्थ हो जाएंगे तो फिर अपने आप ही संसार में लग जाएंगे, ऐसा इन्होंने सोचा। लेकिन भुवन मोहन का तो विवाह के प्रति कोई भी इनका अट्रैक्शन नहीं था, और वो तो प्रभुपाद जी उनका हृदय को चुरा लिया था उन्होंने एक ही मुलाकात में। तो कुछ समय बाद भुवन मोहन अपने घर से निकल के श्रील प्रभुपाद जी के पास जा पहुंचे चैतन्य मठ मायापुर में दीक्षा लेने के लिए। और जब इनकी दीक्षा हुई वहां पे चैतन्य मठ में, तो उनका नाम रखा गया भुवनेश्वर दास ब्रह्मचारी, नया नाम। और जब इनकी दीक्षा हो गई तो चैतन्य मठ में इनके पिताजी एक बार आए जनार्दन दास जी, और उन्होंने आके प्रभुपाद जी से प्रार्थना करी कि यही हमारे परिवार में जो कमाने वाले थे वो सिर्फ यही थे, भुवन मोहन थे, यानी कि आप जो भुवनेश्वर दास ब्रह्मचारी हो चुके हैं और आपने इनको भी यहाँ रख लिया, तो हमारे घर में तो और कमाने वाला कोई है नहीं, तो आप कृपा करके इसको वापस भेज दें, ऐसा उन्होंने प्रभुपाद जी के प्रति प्रार्थना करी। प्रभुपाद जी ने कहा कि ये भुवन मोहन तो यहाँ पे हरि भजन करने आया है, इसको मैं वापस कैसे संसार में भेज दूँ, ऐसा नहीं मैं कर सकता। अच्छा यही होगा कि आप अपने बाकी बच्चों को मेरे पास भेज दें, उनका लालन पालन मैं ही कर लूंगी अगर आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं है तो। और फिर जनार्दन दास उनके पिताजी वापस चले गए, और उनका जो सबसे छोटा बेटा था जैमिनी दास, उनको उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी के पास भेज दिया, जैसा कि प्रभुपाद जी ने बोला था। प्रभुपाद जी ने उनकी पूरी पढ़ाई कराई, उनको एमए डिग्री कराई प्रभुपाद जी ने स्वयं, और धीरे धीरे भुवनेश्वर ब्रह्मचारी भी सभी ग्रंथों को पढ़ने लग गए और सभी में निपुण हो गए और बड़े ही सिंसियर थे, और प्रभुपाद जी के पद चिन्हों पर चलने लगे। प्रभुपाद जी उनसे बहुत बहुत प्रेम करते थे। और 2 मार्च 1934 श्रील गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज जी के समाधि मंदिर में चैतन्य मठ के अंदर मायापुर में प्रभुपाद जी ने श्रील भुवनेश्वर दास ब्रह्मचारी जी को संन्यास प्रदान किया। अब इनका नाम हुआ श्रील भक्ति संबंध तुयाश्रमी गोस्वामी महाराज। तो संन्यास प्राप्त करके पूज्य महाराज जी ने बहुत सारी कविताओं की रचना भी करी और बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे, और प्रभुपाद जी ने इनको दिल्ली में जो मठ था प्रभुपाद जी की जो ब्रांच थी उसका प्रेसिडेंट भी बनाया उसके बाद। और पूज्य महाराज जी बड़े ही अच्छे ढंग से उस दिल्ली मठ का संचालन करने लगे।
3 साल यहाँ पे हुए थे दिल्ली मठ में आए हुए उनको, कि 1 जनवरी 1937 शुक्रवार के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त 5:30 बजे प्रभुपाद जी ने नित्य लीला में प्रवेश किया। और इसको सुन के पूज्य त्रिवेश्वमी महाराज जी को बड़ा धक्का लगा और ये फटाफट दिल्ली छोड़ के चैतन्य मठ पहुंचे श्री प्रभुपाद जी की समाधि पे। और बड़ा ही विरह इनको हुआ प्रभुपाद जी से, और इन्होंने सोचा कि अब मैं दिल्ली वापस नहीं जाऊंगा, अब मैं एक एकांत स्थान में रह के भजन साधन करूंगा, ऐसा इन्होंने सोचा। और इसके बाद पूज्य महाराज जी बौरडिया जैसोर पहुंचे बांग्लादेश में, वहां पे इन्होंने एक मंदिर बनाया और उस मंदिर में उसका नाम था श्री श्री गौर सारस्वत बौरडिया मठ। वहाँ पे लोकल जो भक्त लोग थे उनके सहयोग से मंदिर बनाया उन्होंने, और वहाँ पे ठाकुर जी की स्थापना की। ठाकुर जी का नाम था श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरधारी जी। और महाराज जी की जो व्यक्तित्व था बड़ा ही अट्रैक्टिव था, बहुत सारे लोग उनके पास आए जिन्होंने दीक्षा ली महाराज जी से। और 22 नवंबर 1978 को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूज्य पाद भक्ति संबंध त्रिवेश्वर गोस्वामी महाराज जी ने अपनी नित्य लीला में प्रवेश किया, भगवान के नामों को करते हुए, भगवान के नाम जाप कर रहे थे, और उसी में उन्होंने अपनी नित्य लीला में प्रवेश किया। राधा रानी और कृष्ण की सेवा में वो चले गए। तो ये कुछ उनका संक्षिप्त चरित्र जो इसका हमें पता चलता है वो मैंने आप सभी को बताया। अब हम लोग आज के कार्यक्रम के अनुसार हमारे श्रीपाद शुभ कृष्ण प्रभु और उनकी पत्नी सीता देवी से इनकी मधुर स्मृतियों के बारे में श्रवण करेंगे गुरुदेव के साथ। प्रभु जी आप म्यूट हो गए लगता है, अनम्यूट कर लें। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? हाँ प्रभु जी, एकदम क्लियर आ रही है, साफ आ रही है, तो अंदर। मैं पहले अपनी पत्नी को कहूंगा कि थोड़ा सा गुरु जी के बारे में बताएंगे जैसे जैसे इनके अपने एक्सपीरियंस ठीक है, आपके बारे में इंट्रोडक्शन नहीं दिया, रुको को मैं 2 मिनट में बता देता हूँ। तो ये हमारे शुभ कृष्ण प्रभु हैं जो आप सब लोग ज्यादातर तो लोग जानते ही हैं, जनकपुरी में मठ के पास ही रहते हैं और बहुत अनेक तरह की सेवाएं करते हैं। प्रभु जी इंडियन एयरफोर्स के साथ काम करते हैं उसमें, और 2004 में इनकी दीक्षा हुई गुरु जी से। इनकी पत्नी सीता देवी हैं, इनकी दीक्षा 2006 में हुई, और ये एक अध्यापिका हैं सरकारी स्कूल में, और इनकी एक बिटिया है इसका नाम है प्रमिला दासी, और एक बेटा है जिसका नाम है वनमाली दास या वासु इनको कहते हैं। दोनों ही बेटा और बेटी दोनों ही गुरुदेव से इनका हरिनाम हो चुका है, और पूरा का पूरा परिवार ही हरि गुरु वैष्णव की सेवा में रत हैं और बड़े ही सुंदर तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज हम इनसे इनकी मधुर स्मृतियों का श्रवण करेंगे। पहले हमारे सीता दीदी कुछ बोलेंगे। ठीक, बोलिए दादा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे सभी को कृष्ण, दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानम तिमिरं तस्य ज्ञान रंजन शलाखया चक्षुर मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णु पादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण स्वामी इति नामिनि श्री कृष्ण लीला कथनी सुदक्षम उदारे माधुरे गुणेश युक्तम वरम वरण्यम शमांतम नारायण स्वामी शीर्षाम नमामि तिदंडी नाम भक्त शिरोमणि श्री कृष्ण प्रदा पिता श्री चैतन्य नीलामृत रूप अनुपराय थे। प्रभु जी मेरा तो इतना अधिकारी नहीं है कि मैं कुछ बोल सकूं। जैसे 1 मिनट, मेरे को लगता है आपकी आवाज रिपीट हो रही है। आपने 2 मोबाइल पे लॉग इन कर रखा है ऐसा लगता है। एक को आप वो कर दें, क्या बोलते हैं, ऑफ कर दें या म्यूट कर दें कुछ ना। आप बोलिए। हरे कृष्ण, कृष्ण प्रभु जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी सभी वैष्णवों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा तो कोई अधिकार ही नहीं है कि मैं कुछ बोल सकूं गुरुदेव के बारे में। मैं कुछ भी बोलने के लिए सक्षम नहीं हूँ। अच्छा मैं प्रभु जी वैसे तो मेरा बचपन में ही जो मेरे माता पिता थे मेरा जन्म भक्ति में परिवार में हुआ। मेरी माता मम्मी जो थी वो दुर्गा देवी की भक्ति और मेरे पिताजी कृष्ण बहुत कृष्ण भक्त थे। वो रोज सुबह पूरा गीता रोज नित्य प्रति गीता पाठ करते थे और उनको पूरी गीता कंठस्थ थी।
और उनको बहुत कृष्ण भक्ति में विश्वास था। वो हर समय कृष्ण का ही नाम लेते थे और अंत समय भी उन्होंने अपने में यही बोला, जब वो मशीनों पर आ गए थे उन्होंने यही बोला, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। और उनका देहांत, उन्होंने शरीर भी एक अच्छी के दिन ही छोड़ा। तब से मैंने, जब से अपने पिता पिताजी की कृष्ण भक्ति में निष्ठा देखी, और उन्होंने ये वो हमेशा भगवान से यही मांगते थे कि हे भगवान मुझे चलते फिरते लेना, मुझे किसी की सेवा ना, कोई मेरी सेवा ना करे। बिल्कुल तो फिर उनकी ये जब, और उन्होंने कोई सेवा नहीं ली और उन्होंने काशी के दिन ही प्राण छोड़े। तो मेरा इस चीज को देखकर कि उनकी ये कृष्ण भगवान ने उनकी जो प्रार्थना थी, उनकी सेवा, उन्होंने किसी से सेवा नहीं ली और उन्होंने कृष्ण भक्ति काशी के दिन ही प्राण छोड़े, तो इसकी वजह से मेरा और कृष्ण भक्ति में रुचि हो गई। फिर हमने धीरे धीरे इस्कॉन जाना शुरू कर दिया। वहां पर हमने गीता क्लासेस अटेंड करते थे, आरती प्रोग्राम अटेंड करते, वहाँ जो वीकेंड प्रोग्राम होता था हम उसको अटेंड करते थे। और वहां पे रात वीकेंड प्रोग्राम के बाद हम वहाँ पे मंदिर मार्जन, बर्तन की सफाई सेवा सब कुछ करने के बाद हम रात को देर से आते थे। हमारा यही नियम बन चुका था। तो धीरे धीरे ये चलता रहा क्रम। तो एक दिन मेरे प्रभु जी को ही मंदिर में वहां पर किसी ने बोला कि आप लोग जनकपुरी से आते हैं, आपके वहां पे तो गौड़ीय मठ है, आप वहां पर क्यों नहीं जाते। तो फिर प्रभु जी ने ढूंढा, उनको वहां पर जानकारी अधिक मिल नहीं पाई। तो फिर इनको कहीं से पता चला कि गौड़िया मठ, तो हम गौड़िया मठ, ये फिर एक दिन मुझको भी गौड़िया मठ लेकर गए। तो जब जिस दिन हम गौड़िया मठ गए, तो उस दिन सब, ये मंदिर हमारा बेसमेंट में था, जिस दिन हम पहुंचे थे उस दिन जो हमारे नीचे पहले ठाकुर जी थे उनके उनकी प्रतिष्ठा हो रही थी। तो वहां पे ऊपर, जहाँ इन्होंने जब अपना स्कूटर रोका, तो मैंने वहां पे ऊपर से दीवार से झांका, वहां पे बहुत सारा हॉल जो नीचे था वो हॉल बहुत भरा हुआ था। मैंने जैसे ही झांका तो वहां पे मुझे दिखाई दिया कि एक बहुत सिद्ध महात्मा पुरुष बैठे हैं और उनका बहुत अलौकिक सा प्रकाश है, बहुत दिव्य रूप है उनका। बस मुझे, मेरे जैसे शरीर में जैसे एक बिजली सी कौंध गई और मुझे लगा मैं फटाफट नीचे पहुंचू और देखू ये कौन है और वहां पे क्या हो रहा है। मेरे में पता नहीं कहाँ से क्या हुआ कि मैं लोगों को हटाते हटाते अपनी जगह बनाते हुए आगे जाके बीच में बैठ गई गुरुदेव के सामने। गुरुदेव ने थोड़ा कथा कीर्तन किया, उसके बाद आरती। तो मैं गुरुदेव की नीली आंखों को, उनके मनमोहक रूप को, उनको उनके सौम्य रूप को ही देखती रह गई। और मुझे कुछ नहीं पता कि गुरुदेव ने उससे भी क्या कथा में बोला, क्या कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आरती वगैरह हुई, जब गुरुदेव बैठे 2 मिनट देखे, मैं देखती जा रही। गुरुदेव ने बस इतना पूछा, आज पहली बार आए हो? मैंने मैंने सिर हिलाया बस, मैंने कहा हाँ जी हाँ जी। तो बस फिर गुरुदेव ने कहा अच्छा, कृपा कृष्ण भक्ति मिले, आते रहिएगा। बस मुझे वो शब्द दिल में उतर गए। उसके बाद फिर हमने मंदिर आना शुरू कर दिया। हमारी रामचंद्र प्रभु जी से भी मुलाकात हुई, बलराम प्रभु जी हमें बहुत समझाते थे, हम आते रहे। धीरे धीरे हम मंदिर में, हमारा संसर्ग पड़ता गया। मेरे पतिदेव की तो दीक्षा 2004 में हो गई, लेकिन मैं अभी भी देवी भक्ति में, देवी देवताओं की भक्ति में लगी हुई थी। तो मुझे यही डर अंदर से लगता था कि मैं एकदम इनकी भक्ति छोड़ूंगी तो मुझको अपराध लगेगा, मेरा मेरे मेरे अनर्थ हो जाएंगे, मेरे में पाप लगेगा, क्योंकि मन में मेरे एक डर था। लेकिन मैं मंदिर आती थी, मैं तुलसी माला पे माला वगैरह भी करती थी और सब कुछ करती थी। तो 2006 में जब गुरुदेव मत में आए हुए थे, वो जब वो कथा कर रहे थे, तो उन्होंने वो बोला, ये श्लोक बोला, सर्वधर्माणि परित्यजे माम एकम शरणम अहम त्वम सर्व पाप मोक्ष्यामि। और उन्होंने उसका अर्थ बताया कि इसमें भगवान कह रहे हैं कि तू सब धर्मों को छोड़कर बस एक मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे को सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो मैं सामने बैठी थी, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे गुरुदेव मुझे ही इशारा करके बोल रहे हैं कि तू मेरी शरण में आ जा, तू मेरे पास आ जा और मैं तुझको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। वो बात मुझे इतनी लगी कि मैं उसके बाद ही जब कथा समाप्त हुई, मैं आगे गई, मेरे माधव महाराज जी भी थे। मैंने माधव महाराज जी, मैं नाम तो जानती नहीं, मैंने माधव महाराज जी से बोला कि मुझको ना गुरुदेव से ना दीक्षा लेनी है। मैं अभी बात ही कर रही थी तो गुरुदेव ने पीछे मुड़कर देखा कि कहते हैं कि बेटी दीक्षा लेने। मैंने कहा हाँ गुरुदेव। तो कहते कल सुबह आ जाना। मैंने कहा ठीक है गुरुदेव। तो अगले दिन ही, और मेरे पतिदेव भी बहुत हैरान हुए कि मैं तो आपको इतने समय से बोलता था कि कर लो, तब तो आपने नहीं, एकदम क्या हुआ? मैंने कहा मुझे खुद नहीं पता,
अगले दिन मेरी दीक्षा हुई, मैं सुबह सुबह ही गुरुदेव के कमरे में, जो ऊपर ऊपर गुरुदेव की भजन कुटीर है, वहां पे बाहर जाकर मैं बैठ गई। और अंदर मन में बहुत उथल पुथल चल रही थी कि क्या होगा क्या होगा, कि गुरुदेव हरि नाम देंगे कि नहीं देंगे, क्या होता है हरि दीक्षा के बाद, क्या क्या होता है। गुरुदेव अंदर गई, गुरुदेव को प्रणाम किया, गुरुदेव ने पूछा, बस गुरुदेव ने ये प्रश्न किया, कृष्ण भक्ति करना चाहती हो? मैंने कहा हाँ जी। तो कहते हैं प्याज लहसुन वगैरह खाते हो? मैंने कहा गुरुदेव नहीं। आवाज बंद हो गई आपकी। फिर गुरुदेव ने हरि नाम दिया, हरि दीक्षा मंत्र दिए, दीक्षा मंत्र को कह हरि नाम माला दी, दीक्षा दिया मैंने गुरुदेव को। उन्होंने गुरुदेव ने बोला कि कोई शंका है मन में? मैंने गुरुदेव को बोला, गुरुदेव मैं ना चाय पीती हूँ, और मेरे से मैं चाय पीती हूँ। तो गुरुदेव ने कहा कुछ नहीं होता, आप हरि नाम करो, हरि नाम सब कुछ करेंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास था गुरुदेव के वचनों पर कि चलो मेरी चाय छूट जाएगी, लेकिन मैं हरि नाम अपना करती रही। तो गुरुदेव के साथ ऐसी कई स्मृतियां हैं, गुरुदेव के वचन कभी खाली नहीं जाते। हम एक बार जब मठ से प्रभु जी वगैरह बस लेकर गए थे, हम बस से मठ में गए, मठ से बसे गई तो चंद्र सरोवर पर हम गए थे, बैठे हुए थे, रामचंद्र प्रभु जी कथा कर रहे थे। तब मेरा बेटा छोटा सा था, 4-5 साल का होगा। तो चंद्र सरोवर के दूसरी तरफ बच्चे, गांव के बच्चे होते हैं, वो पोते कूते आए, उन्होंने डाइव की नदी में, चंद्र सरोवर में, और मेरा बेटा भी इधर बच्चों के साथ खेल रहा था, उसने भी दीवार से एकदम ऊपर से छलांग लगाई, और वो वहां पर जो पत्थर था पूरा काई से भरा हुआ था। जैसे मेरी मेरी चीख निकल गई, गुरुदेव गुरुदेव, और वो बच्चे को, गुरुदेव ने अपने बच्चे को बिल्कुल ऐसे पत्थर पे बिठा दिया जैसे उसको गुरुदेव ने अपनी गोदी में बिठा लिया, और सब एकदम, रामचंद्र प्रभु जी एकदम कथा शांत हो गई कि एकदम बच्चा कैसे गिरा। लेकिन गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव ने उसको अपने हाथों में फूल की तरह बिठा लिया। गुरुदेव की कृपा अनंत है। हमने जब अपने बेटे को एक बार, जब हमने, जब हमारा बेटा छोटा था, हमने गुरुदेव को उसको जब माथा टिकाया, तो गुरुदेव, इन्होंने बोला कि गुरुदेव ये बहुत चंचल है, बहुत चंचल है, बहुत शरारती है। तो गुरुदेव ने बोला कृष्ण भी तो नटखट है, जैसे जैसे ये बड़ा होगा इसकी, ये बिल्कुल शांत हो जाएगा। अब गुरुदेव जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, इतना शांत हो गया कि उसकी ना उसके अंदर कोई संसारिक इच्छाएं हैं ना कुछ है, बहुत ही शांत हो गया। तो ये गुरुदेव की कृपा है कि गुरुदेव के वचन कभी भी खाली नहीं जाते। मैं जब भी गुरुदेव के सामने जाती थी, प्रभु जी मैं कुछ बोल नहीं पाती थी गुरुदेव के सामने, बस मैं गुरुदेव के मन में प्रश्न भी कुछ होता था लेकिन मैं बोल नहीं पाती थी, बस मेरा आंखों से अश्रु निकलने लग जाते थे, मैं बोल नहीं पाती थी। एक बार गुरुदेव लिफ्ट से नीचे आ रहे थे, जब नाट्य मंदिर में अंदर की तरफ जा रहे थे, तो सब लोग आगे खड़े हुए थे, मैं पीछे की तरफ खड़ी हुई थी, और बस ऐसे आंखों से मेरे अश्रु बह रहे थे, और मैं जय गुरुदेव मन में कर रही थी। तो गुरुदेव वहां से सब लोगों को क्रॉस करते हुए मेरे पास आए, और गुरुदेव ने बोला रो क्यों रही हो बेटे, क्या हुआ? मैं कुछ नहीं बोल पाई। गुरुदेव ने कहा हरिनाम कैसा चल, हरिनाम कर रहे हो, भजन कर रहे हो? मैंने कहा कहते करते रहो, दिन प्रतिदिन आपकी इसमें बढ़ोतरी होगी। मैंने कहा जय गुरुदेव। जब भी गुरुदेव के मैं चरण छूती थी, और मुझे एक, जब भी, तो एक मुझे ऐसा अनुभव होता था कि जैसे उसमें से कोई एक औंधनी सी, जैसे बिजली सी, जिसमें से एक बहुत ज्योतिमय प्रकाश का अनुभव होता था। और जब गुरुदेव आगे चले जाते थे तो मैं उनके उस स्थान को भी छूती थी, तो उसमें से एक बहुत बिजली सी वाइब्स आती थी, कि जिसको मैं अनुभव करती थी कि ये मेरे गुरुदेव इस जगत के तो नहीं है। तो लीला गुरुदेव के साथ ऐसे बहुत से अनुभव होते थे। एक बार जब हम वहां पे गए थे गोवर्धन मठ में, जो गुरुदेव का, जो गुरुदेव का जो है अंदर, जो भजन कुटीर है अंदर, गुरुदेव बैठ भजन अंदर कीर्तन कथा चल रहा था, तो अंदर काफी हॉल भरा हुआ था। तो मैं ऐसे दरवाजे से ऐसे झांक रही थी कि, और मैं सोने की कोशिश कर रही थी और गुरुदेव के दर्शन करने की कोशिश कर रही थी। तो काफी थोड़ी देर खड़ी रही, देखती रही कि शायद कहीं जगह बन जाए तो मैं बैठ जाऊं कोने में, लेकिन मैंने कहा नहीं, फिर भी मैं अपनी जगह नहीं छोड़ूंगी,
मैं खड़ी रही सुनती रही। तो इतने में एक थोड़ी देर के बाद मुझे नहीं पता गुरुदेव की मुझ पर नजर पड़ी और गुरुदेव ने भाई से इशारा किया, कहते इधर आ जाओ बेटी। मैंने कहा, मैंने सोचा किसी और किसको बुला रहे, कह रहे तुम्हें बुला रहा हूँ जो दरवाजे पर खड़ी हो, इधर आ जाओ। मैं अपना रास्ता बना, प्रभु जी गुरुदेव ने बोला कि थोड़ा थोड़ा रास्ता दे दो बिटिया को बैठने के लिए। मैं वहां बैठ गई और मुझ में मैं उस समय को अपने को इतना अनुभव किया कि गुरुदेव की कृपा दृष्टि देखो कहाँ पर भी पड़ जाती है। हम चाहे कोने में भी खड़े हैं, कहाँ भी पड़े, गुरुदेव अपने ऊपर, हम अगर गुरुदेव की कृपा दृष्टि हो तो दृष्टिपात उनका हर जगह हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे अनुभव है। मैं 2006 में तो मेरा दीक्षा हो गई थी प्रभु जी, लेकिन मैं बहुत बच्चे छोटे थे कि नहीं कारणवश मेरे अपराध वश मैं नवदीप जा नहीं पा रही थी। मन में बैठी बहुत लालसा थी, मैं गुरुदेव वैष्णव से यही प्रार्थना करती थी मुझे कब नवदीप धाम बुलाएंगे। गुरुदेव से मैं निरंतर प्रार्थना करती थी कि मुझे अपने पास नवदीप धाम एक बार जरूर बुलाओ। तो 2018 की बात प्रभु जी, अभी तो एक तब अचानक ही नवदीप के समय मेरे प्रभु जी ने इन्होंने बोला कि ऐसा है कि इस बार ऐसा करो आप चले जाओ नवदीप धाम और मैं घर में बच्चों के पास रह लूंगा। मैंने कहा हाँ हाँ प्रभु जी मैं जरूर जाऊंगी। मैंने कुछ भी नहीं सोचा, मैंने कहा हाँ हाँ जरूर जाऊंगी। और जबकि उस वर्ष 2018 में मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही थी प्रभु जी, मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस की बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन मैंने कुछ भी सोचा नहीं। मैंने कहा हाँ हाँ मैं प्रभु जी जाऊंगी। इन्होंने मेरी राजधानी में टिकट कराई और वो मेरी वेटिंग में चल रही थी। इन्होंने बोला आपकी वेटिंग में चल रही है, पता नहीं क्लियर होगी या नहीं होगी। लेकिन मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपनी पैकिंग तैयारी करनी शुरू कर दी। मैंने कहा नहीं बस मेरे गुरुदेव ने मुझे बुलाया तो मैं जरूर जाऊंगी। फिर इन्होंने बाद में भी बोला देखो कि आपकी तबीयत ठीक नहीं चल रही, आप सोच लो आप। मैंने कहा मैं ट्रेन में बैठ गई, शाम की मेरी ट्रेन थी, ट्रेन चल पड़ी तो इनका 5-10 मिनट के बाद जैसे ट्रेन की एसी स्टार्ट हुए तो मेरे को सांस की प्रॉब्लम शुरू होने लगी। इनकी तो 5-10 मिनट के बाद इनका फोन आया, इन्होंने बोला कि लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा आप अगले स्टेशन पे उतर जाओ, मैं आपको वहां से ले लूंगा, आप रहने दो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने इनका फोन काट दिया और उसके बाद मेरी तबीयत खराब होने लगी। लेकिन मैंने मेरे को अपने सामने और मेरे को अपना पूर्ण विश्वास था कि मेरे गुरुदेव और मेरे गौर महाप्रभु ने मुझ पर कृपा की है तो मैं धाम तो जरूर जाऊंगी। तो मैं फिर इसके बाद इन्होंने काफी देर तक तो फोन मिलाते रहे लेकिन मैंने इनका फोन नहीं उठाया। मैंने कहा अगर ये मैं इनका फोन उठाऊंगी तो ये मुझे बोलेगी कि आप उतर जाओ आप नहीं जाओ आगे। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं अपने गुरुदेव ने मुझे बुलाया तो मैं जाऊंगी, मेरा पता नहीं जीवन है या नहीं लेकिन मैं एक बार नवदीप धाम तो जरूर जाऊंगी। नवदीप धाम पहुंच गई, मैंने जैसे ही वहां नवदीप धाम से मैं ट्रेन से लोकल ट्रेन के बाद जब धाम पे पहुंचे तो मैंने धाम में उतरते ही धाम को दंडवत प्रणाम किया और मैंने जोर से बोला गुरुदेव मैं आ गई। बस ऐसे वो मेरे को लगा कि जैसे सच में मेरे को गुरुदेव ने वहां पकड़कर फिर अपने पास बुला लिया। हम मट गए और मैं सबसे पहले जाके मैंने गुरुदेव की समाधि स्थल पर प्रणाम किया सब कुछ। और मैं कैसे चली गई, मेरी उस समय मेरी जाने की रहने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बस मैं चली गई। एक दिन मेरा निकल गया, मैंने किसी के साथ रह लिया, बंगाली लोग थे उनके साथ जैसे रह लिया, एक दीदी के साथ रह लिया क्योंकि अपनी तकलीफ भी थी तो मैं दूसरों को परेशान नहीं करना चाहती। अगले दिन शायद अगला दिन था या उससे अगला दिन तो मैं परिक्रमा में जब जा रहे थे बट मैं गुरुदेव से मेरे को लेकिन मे भी मेरा ये भी सोच लिया था कि मुझे अगर कहीं भी जगह नहीं मिलेगी तो जैसे बाकी लोग गुरुदेव के समाधि स्थल पर ब्रांडों में कहीं पे भी सो जाते हैं मैं भी ऐसे अपने दिन व्यतीत कर लूंगी लेकिन मैं धाम से नहीं जाऊंगी। तो हम परिक्रमा में चल रहे थे तो परिक्रमा चलते चलते अचानक देव कृष्ण प्रभु जी बिल्कुल मेरे पास से आए, मुझे एकदम लगा जैसे गुरुदेव आ गए। तो उन्होंने बोला हरे कृष्णा दीदी, मैंने बोला हरे कृष्णा प्रभु जी। तो उन्होंने बोला कहाँ से आप दीदी, मैंने कहा प्रभु जी दिल्ली से आए हो। उन्होंने पूछा कि दीदी आप मठ में रुके कहाँ रुके हैं, तो मैं चुप रही मैंने कुछ बोला नहीं। तो फिर कहते हैं कि अच्छा दीदी अच्छा, फिर कुछ और बात करते रहे फिर वो थोड़ा आगे चले गए। जब मठ से वो परिक्रमा जब हम वापस आए तो मैं अंदर गेट परिक्रमा से अंदर जब मठ के गेट से अंदर आ रहे थे तो प्रभु जी वहां अपने रूम के बाहर खड़े हुए थे। कहते हैं उन्होंने आवाज लगाई दीदी, कह रहे मैंने ना आपके लिए कमरे की व्यवस्था कर दी है और आपके पास कमरा नहीं है ना
तो मैंने कहा हाँ जी प्रभु जी। तो उन्होंने कहा मैंने आपके लिए ना एक कमरे की व्यवस्था कर दी है, आप प्रसाद पाकर मुझसे कमरे की चाबी ले लो। तो मैं हैरान रह गई कि गुरुदेव की कृपा, ना मैंने इसके लिए कुछ मांगा ना कुछ, गुरुदेव ने मुझ पे कृपा कर दी। फिर मेरे पास जिसने भी पूछा, मेरे पास जो भी दीदी वगैरह जो पूछते, मैं कहते हैं हाँ हाँ प्रभु जी, दीदी वगैरह जिसने भी है मेरे साथ एडजस्ट कर ले। इतना अच्छा हरि कीर्तन में मेरा वो समय निकल जाता था प्रभु जी, गुरुदेव की कृपा से सब अपने आप होता चला गया। वहां पे ग्रंथों को पढ़ा, गुरुदेव की कृपा से मैं हमेशा गुरुदेव वैष्णव यही प्रार्थना मानती हूँ, नित्य प्रति यही निवेदन करती हूँ कि मुझे गुरु वैष्णवों की कृपा मिले, मैं गुरुदेव के अध्ययन ग्रंथों का अध्ययन कर सकूं। जबकि मेरा इतना अधिकार नहीं है गुरुदेव, मेरा इतना अधिकार नहीं है, लेकिन मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि जो हमारे गुरुदेव ने ग्रंथ लिखे हैं, जो हमारे वैष्णवगण हैं, मैं सभी वैष्णवों की अपनी यथा योग्य सेवा कर सकूं, उनको आदर सम्मान दे सकूं। और मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाती हूँ कि वैष्णव सेवा में ही भक्ति है, क्योंकि हमारी जो भक्ति की जो हम सेवा ही है जो हमारी भक्ति की रीढ़ की हड्डी है। हम जितनी वैष्णवों की सेवा करेंगे हम उतना ही वैष्णवों के का प्रेम पा सकते हैं, उतना ही निकट जा सकते हैं। तो गुरुदेव के अपने प्रिय रतन है, जो उनके उनके अब महाराज लोग हैं, जो हमारे श्रीधर महाराज, पर महाराज जी, सिद्धांती महाराज जी, हम लोग उनकी कथाएं सुनते हैं, तो हमारे को वो वही वचन वही कथाएं हमारे को अनुभूति होती है कि हमारे गुरुदेव ही बोल रहे हैं। गुरुदेव हमारे लिए इतना कुछ सोच चुके हैं, इतना कुछ छोड़ चुके हैं, छोड़ गए हैं, लेकिन हम हमारा मेरा इतना शायद अधिकार ही नहीं है कि मैं शायद उसको पा सकूं। तो अनुभूतियां तो बहुत है प्रभु जी, लेकिन बस मैं अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देती हूँ, इससे ज्यादा मेरा अधिकार नहीं है। भगवान छ कल्प तरु वैष्णव कृपा सिंधु भई पतिता नाम पावरे भी वैष्णव। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। इसमें अगर आपको कुछ और स्मरण आएगा तो आप बोल सकते हैं इसमें, है ना। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी आपके चरणों में। नमो विष्णु पादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी नाम्ने श्री कृष्ण लीला कथमे सुदक्षं औदार्य मौदार्य गुणेश युक्तं वरण वरण्यं पुरुषं महांतं नारायण त्वांसे स्वानुभि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं परम आराधितम गुरुदेव जय निधिला प्रवेश नो विष्णुपाद अष्टतो श्रीमद भक्ति विधान नारायण गोसाई महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि दांगवत प्रणाम करता हूँ और उनके हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। उसके बाद अपने जितने हमारे गुरुवर्ग हैं, भक्ति विधान श्रीधर महाराज जी, भक्ति विधान माधव महाराज जी, भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज जी, भक्ति वेदांत सिद्ध भक्ति विधान सिद्धांति महाराज जी, जितने भी हमारे महाराज लोग हैं उनके चरणों में अनंत कोटि दंडवत। और जितने हमारे शिक्षा गुरु वैष्णव जन है, पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु जी, पूज्यपाद कृष्णनाथ प्रभु जी, पूज्यपाद विजय कृष्ण प्रभु जी, पूज्यपाद अः कृष्ण प्रभु, मतलब और आप सब, इन सब के चरणों में अनंत कोटि दंडवत। और जितने भी कथा सुन रहे हैं, जितने भी मेरे भाई बहन है, सबके चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। प्रभु जी क्या सुनाऊं मैं आप बताएं। सब सुनाया जैसे आपकी पत्नी ने सुनाया बहुत सुंदर तरीके से, कैसे कैसे कोई बचपन में क्या उनका क्या भाव था, हाँ पूजा करते थे, फिर नहीं कैसे मैं यहाँ पे आए। हाँ ये अगर मैं अपने पास्ट टाइम को देखूं और थोड़ा विचार करूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे स्कूल टाइम में भी क्या होता था कि मन में भगवान के प्रति एक हमेशा एक भाव सा रहता था, हमेशा उनकी कथा सुनने का या रहता था। और कभी स्कूल में अगर समय मेरा पास भी नहीं होता था, पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था मैं, समय पास नहीं होता तो मैं आरती करना शुरू कर देता था मन ही मन में। और ऐसे ही मन में रहता था कि कहीं से कोई, जैसे टीवी सीरियल होते थे तो उसमें डिवोशनल सीरियल में याद था मेरी ज्यादा पकड़ होती थी कि मैं उसको सुन लूँ, जरा देख लूँ जरा उसको, तो मैं ऐसे डिवोशनल सीरियल की तरफ अपना मेरा रुझान रहता था। तो थोड़ा बड़े हुए तो थोड़े से जो मायावादियों की जो उनकी कथाएं होती थी उनके ऊपर भी वही सुन लेता था मैं, रमेश भोजा और अन्य की सुनता था। उसके लिए प्रति मैं उसकी कैसेट ढूंढता था, मिल जाती थी, मिलती नहीं थी उस समय तो। आज को तो बहुत हर चीज यूट्यूब में इजीली अवेलेबल है, लेकिन उस समय इतना इजीली मिलता नहीं था, ढूंढने पर भी नहीं मिलती थी। फिर भगवान से मैंने प्रार्थना करी कि ये जो है ना बहुत मुश्किल होती है मुझे, गुरुदेव मतलब प्रभु भगवान मुझे एक ऐसी जगह मिले
जहां पर मैं नित्य निरंतर कथा सुन सकूं, नित्य निरंतर ऐसे कथा सुन सकूं। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं उस दिनों में, लेकिन फिर भी मैं अपना नाम जाप में अपना रखता था, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र नहीं करता था लेकिन भगवान का नाम लेता रहता था, गोविंद गोपाल वगैरह लेता रहता था। और क्या करता था मैं, जो शिव जी के व्रत होते हैं मंडे के, वो फास्टिंग हमेशा रहती थी मेरी। और साथ में इसके साथ साथ कभी जो है हमारे कांवर लेके आया हूँ मैं एक बार, और वो भी गोमुख से लेकर आया था, गंगोत्री भी नहीं गोमुख से, इतनी दूर से वो पैदल हम लोग मेरठ तक आए थे, क्योंकि तो मेरठ में हमने सोचा मंदिर में जाना था, तो मेरठ तक मंदिर में पैदल लेके आया। बीच में थोड़ी देर के लिए बस भी करनी पड़ गई थी, किसी हमारे उसकी तबीयत खराब हो गई थी जिसके कारण मुझे उनके उन बैठा के लाना पड़ा। कितना समय लगा ऐसा लाने में? 7-8 दिन लगे थे हमें पैदल चलने में, और सुबह चलते थे और रात को फिर विश्राम करते थे, कहीं पर भी जगह मिल जाती थी। तो एक बार बस ऐसा था, लेकिन मन में जो यही रहता था भाव कि भगवान जो शिव जी के जो प्रिय हैं वो मुझे प्राप्त हो, ये भाव रहता था। तो उसके बाद क्या हुआ, ऐसे संख्या बढ़ती गई बढ़ती गई, लेकिन मुझे गीता की जब भी मैं चीजें याद करता हूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे कि सारी की सारी बिल्कुल सही है, एक एक चीज नजर आती। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म की चीजें भक्ति का छांश मात्र भी हो तो वो अगले जन्म कैरी फॉरवर्ड होता है, तो ऐसा मुझे फील होता है। और फिर भगवान से प्रार्थना करी, तो प्रार्थना का ये अंजाम हुआ कि अभी क्या हुआ, एक समय ऐसा हुआ कि जब मैंने बहुत दुखी हो गया था किसी कारणवश, तो फिर मैंने भगवान से बहुत प्रार्थना करी कि अब जो है ना मुझे भगवान आप अपनी भक्ति में सही तरह से लगा लो, क्योंकि मैं जो है ना ये थोड़ा सा अपसेट चल रहा हूँ कहीं से। तो जैसे बोलते ना आर्त जिज्ञासु ज्ञानी उद्धारथी, तो मैं आर्त की कैटेगरी में आ सकता। तो भगवान ने क्या हुआ, उस समय मैं अपने किसी ट्रंक को साफ कर रहा था, तो मुझे इस्कोन वाला कागज मिला, उस कागज में 4 नियम और 16 माला और साथ में का वहां के प्रोग्राम की डिटेल लिखी थी, इस्कोन के प्रोग्राम्स की डिटेल लिखी थी। तो मैंने वहां पर फोन करके पूछा कि आप यहाँ पर ये प्रोग्राम संडे को होता है वो मैं आ सकता हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ आप आ जाइए। तो मैं वहाँ कथा दोपहर की कथा सुनने के लिए गया, जब मैंने वहां पर युद्ध को देखा तो मैं बहुत हैरान हुआ कि जनरली ऐसा देखा जाता है कि भक्ति क्या है बड़े उम्र के लोगों का काम है, बूढ़े लोग ही करते हैं, जवान लोगों के तो मैंने कभी देखा नहीं है। और मैं तो मंदिरों में भी कई जैसे जाते थे तो वहाँ जवान कम बूढ़े ज्यादा मिलते हैं, तो मैं बहुत हैरान हुआ। और सबसे बड़ी बात कथा सुनी, कथा में वो हरि नाम की महत्वता बताया, सबसे पूछ रहे हैं कि कितनी माला करते हो, तो किसी हाथ उठा रहा है 8 करता हूँ, कोई 4 करता हूँ, कोई 16 कर रहे हैं, कोई 22 कर रहे हैं। तो ऐसे देख करके बहुत हैरान हुआ, मैं पूछता था 22 गुना 16 गुना 108, कहते हाँ। तो बहुत मैं हैरान हुआ सुन करके। तो फिर मन में आया कि यार अच्छा है, फिर बाद में जो कीर्तन किया उन लोगों ने तो उसमें झूम झूम के नाच रहे हैं, तो मैं भी नाचा और मुझे बहुत और आनंद आया। मैं फिर वहां के कुछ वैष्णव से उनसे मुलाकात हुई, उनसे बात हुई, तो उन्होंने मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बहुत सारे। तो ऐसे मैं हर हफ्ते जाता था वहां पर इस्कॉन में और वैष्णव से मिलता था, बड़ा मन करता था, संडे की इंतजार करता था कब संडे आए कब जाऊं। तो उसके बाद हाँ ईस्ट ऑफ कैलाश, तो उसके बाद मुझे पंजाबी बाग मंदिर का पता चला, और पंजाबी बाग मंदिर में फिर मैं जाने लगा रेगुलर बेस पे, डेली कथा सुनने के लिए जाता था भगवत गीता की, वहाँ शाम को क्लास होती थी और वहां पर कथा सुनता। तो रोज जाते जाते मैं कुछ दिन इसलिए नहीं जाता था क्योंकि उन्हें ऐसा ना लगे, बुरा ना लगे कि रोज आ जाते हैं कथा सुनने के लिए। तो उसके फिर मैं रोज कथा सुनते सुनते, लेकिन अब लगातार वहां पर हम जो वहां के स्कोन में मैं मेरी वाइफ जो है ना वहां पर पूरी रात रुकते थे, कई बार बर्तन साफ करना, कई वहां पोछा झाड़ू मारना और अन्य अन्य वैष्णव से थोड़ी हरी चर्चा करना, ये हमारा नित्य नियम बन जाता था इस तरह से। तो ये करने के करते 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 हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी लगे, और जहाँ पर रथ यात्रा होती थी वहाँ भी जाते थे रथ यात्रा, और कभी बाहर के स्टेट में भी जा रहे हैं, कभी दिल्ली में भी होती थी, और भी ऐसे कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेते रहते थे समय समय पे। तो भक्ति के प्रति रुझान बढ़ता गया और भगवान से प्रार्थना भी करते रहते थे। लेकिन एक समय के बाद जब कथा सुनने के बाद एक ऐसा लगा कि नहीं अब ये कथा और नहीं सुन पाऊंगा। कारण क्या है, क्योंकि अब सैचुरेशन जनरली क्या होता था वहां पर 4 नियम 16 माला और इसके बारे में ज्यादा कथा का कहा जाता था, लेकिन अब मेरे मन में आया कि भगवान मुझे कोई ऐसी जगह दिलाइए जहां पर मैं एक ऐसे मतलब गुरु जी से कथा, मतलब जहां पर मैं उनकी दिव्य जगत की लीलाएं सुन सकूं। और दूसरा मैंने ऐसे कहा कि मुझे ऐसे गुरुदेव मिले कोई जो उस जगत की कथा को सुनाए, जिनके मुख से सुन सकूं, कि मेरे मन में बहुत हृदयंगम बहुत ज्यादा मैंने प्रार्थना की उस समय। और साथ में एक और इसके साथ एक और हुआ कि मैं मलकागंज के अंदर जो
जो श्याम प्रभु थे उसमें मधुसूदन महाराज हैं जो आज के समय में, उनकी भागवत का चल रही थी। तो 7 दिन मैंने छुट्टी ले ली ऑफिस से और मुझे पता चला, और इस्कॉन में गोड़िया मठ का मुझे सिर्फ पता चला था, तो और मुझे ये पता चला वहाँ भागवत चल रही है। तो मैं 7 दिन छुट्टी लेकर के वहां गया और सुबह और 2 टाइम कथा भागवत होती थी, सुबह और शाम को। तो मैंने दोनों टाइम वहीं रहता था, सुबह से लेकर शाम तक। और लेकिन वहां सुनते सुनते गुरु तत्व को सुनते सुनते मन में और भाव उदित हुआ। तब मैंने वहां पर फिर प्रार्थना करी ठाकुर जी से, कि राधा रानी से प्रार्थना करी कि मुझे क्या ऐसे गुरु मिलेंगे, मुझे भी क्या प्राप्त होंगे। इस्कॉन में रह करके मेरी दीक्षा की कभी भी मनोकामना नहीं हो पा रही थी। तो मैंने मन में वहां भाव उठाया कि मुझे कैसे गुरु प्राप्त हो सकते हैं। तब मैंने प्रार्थना करी और फिर मन में एक भाव और उदित हुआ कि अगर ऐसी मेरी बात सच होगी, अगर मुझे मिलेंगे, तो राधा रानी के हाथ में उन्होंने फूल रखा हुआ था एक, या तो उसका कलर मतलब ये बदल जाएगा, या फिर वो मेरे हाथ में आ जाएगा, या नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ चेंज जरूर होगा। तो सचमुच ऐसा हुआ, सिर्फ 10 मिनट नहीं बीते होंगे, वो फूल जो है ना उन्होंने निकाल करके ना शायद भागवत वहां दे दिया किसी को, और भक्त आए थे उनको दे दिया। तो मैंने कहा मेरी शायद ये बात ठाकुर जी ने सुन ली है। आगे ऐसे अब हुआ क्या कि जब यहाँ पर हम रहते थे हरिनगर में, तो मुझे इस्कॉन तब भी जाना आना होता रहा। और तब मुझे मालूम चला कि गोड़िया मठ जो है ना जनकपुरी में बन रहा है। अब मैंने पूछा गोड़िया मठ जनकपुरी में काम था, तो बताने में असमर्थ, कहते जनकपुरी में बन रहा है, आप जाके देखो, है ना। तो उस समय नया नया था, तो मैंने अपना स्कूटर लिया और पूरा जनकपुरी खोज मारा, कहीं पर मुझे प्राप्त नहीं हुआ जनकपुरी में मठ। तो मैं निराश हो गया कि अब मठ मिले तो मिले, कहा जनकपुरी को छोटा तो है नहीं, बहुत बड़ा है जनकपुरी, कितनी गलियां घूम ली मुझे पता ही नहीं चल रहा था। उसके बाद कुछ समय के बाद एक वैष्णव इस्कॉन से मेरे पास घर पे आए, ऐसे ही निकल रहे थे, मैंने उनसे नमस्कार प्रणाम किया। तब मैंने बातों बातों में उनसे कहा कि गोड़िया मठ का नाम सुना, कहते हाँ। मैंने कहा जनकपुरी में बन रहा है आपको मालूम है, कहते हाँ मुझे मालूम है। मैंने कहा आपको एड्रेस पता है वहाँ का, तो उन्होंने मुझे बता दिया। अब जैसे बताया तो मैं वेट कर रहा था कब ये निकल के चले जाएं और कब मैं एकदम गोड़िया मठ चला जाऊं। और जैसे ही वो गए वहां से, तो मैं एकदम वहां से भाग करके गया वहां पर देखने के लिए। तो वहां पर हमारे मठ के बाद एक पीपल का पेड़ है, वहां पर उनका जो है ना एक तरह से ना पूरा बना हुआ पड़ा हुआ था, जैसे उससे जो बनता है ना थर्माकोल से या किसी भी लकड़ी से छोटी छोटी से बना करके किस प्रकार का नक्शा पड़ा हुआ था वहां पर। तो मुझे मैंने पूछा कि ये मंदिर कब तक बन गया हो जाएगा, तो नवंबर में डेट बताई थी कि नवंबर में इतनी तारीख तक हो जाएगा। तो मैंने कहा क्या मैं यहाँ की इनाग्रेशन में आ सकता हूँ सुबह, तो उन्होंने कहा हाँ आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह आइए और शाम को जो नगर कीर्तन होगा। तो सुबह सुबह मैं चला गया वहां पर बिल्कुल जैसे, और फिर मैंने जैसे वाइफ बताया था, उन्होंने कि वहां से झांक कर देखा, मैंने भी वहीं से झांक के देखा, गुरुदेव बैठे हुए थे वहां पर। तो उनका दिव्य मतलब दिव्य शरीर देख करके ना एकदम मन को बड़ा खुशी हुई, बड़ा प्रसन्नता हुई। अब मैं वहां पर गया नीचे, पूरा पूरा प्रोग्राम अटेंड किया, और शाम के प्रोग्राम के जब गुरुदेव को वहां बैठाया गया, पालकी में बैठाया गया रथ यात्रा के लिए, तो जैसे ही बैठाया गया तो पहला व्यक्ति मैं ही था जो हरे कृष्णा महामंत्र को इतनी तेजी से गा कर, मैं अपना शुरू मैंने ही कर दिया एकदम वहां पर। अभी लोगों ने आना मृदंग करताल लेके शुरू होना, तो मैं पहले ही शुरू कर दिया था। तो और उस समय अपने बेटे को भी ले गया था, वहीं से उन गुरु जी को प्रणाम करा के उनको आशीर्वाद वहीं से दिलाया मैंने उनको। तो पूरे रास्ते में मतलब समझ लीजिए गुरुदेव की पालकी के साथ ही रहता था, और वहां नाचना वगैरह स्टार्ट किया। अब नित्य नियम बन गया डेली हरि कथा सुनने का, क्योंकि ये जो कथा हमें यहाँ से मिल रही थी पूज्य पाद रामचंद्र प्रभु जी के मुख से, जो वहां पर नीचे बेसमेंट में कथा करते थे, जो डेली कथा सुनने का जो एक लोभ बढ़ता जा रहा था, क्योंकि ऐसी कथा ना भूतो न भविष्यत थी, मतलब जो सुनी नहीं हो, मतलब ऐसी ऐसी बातें को सुन रहे थे। लेकिन उस समय इस्कॉन भी जा रहा था मैं, कारण ये था क्योंकि किसी को मैंने ना कुछ पैसा दे रखा था, वो दे नहीं रहा था वापस। तो मैंने कहा अगर मैं जाना ही बंद कर दिया तो वो शायद पैसा ही नहीं देगा, तो मैं फिर भी इसलिए चला जाता था कि कभी कभार कि ताकि वो दे दे। तो फिर जब मुझे वहां पर सब कुछ हो गया, फिर मैंने यहाँ पर यहाँ से हम आते रहे, और तब हमें मुझे नवदीप का मालूम चला। और जबकि इस्कॉन में रह करके नवदीप का मालूम होता था, लेकिन जाना नहीं हो पाता था। और नवदीप मुझे ऐसा लगता था जैसे जैसे कहते हैं ना सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक, तो ऐसे लगता था जैसे ये बहुत दूर है और एक ही बार जा सकते हैं पूरी जिंदगी में। तो नवदीप का लोभ एकदम जागृत हुआ। तो नवदीप गए वहां पर, गुरुदेव के दर्शन तो यहाँ हो गए थे, और कई बार गुरुदेव आते थे तो उनके दर्शन होते रहते थे। तो वहां पर नवदीप में गए तो मैं गुरुजी के कमरा जो
अभी जो बहुत आपको लोगों को मालूम होगा कि पुराने समय में गुरुदेव का जहाँ कमरा होता था वहां प्रणाम करके हम लोग गुरुदेव के कमरे में गए, और सुबह सुबह गुरुदेव अपने मतलब अपने जो है ना दरवाजे के पास सबको दर्शन देते थे। तो मैं भी गया वहां पर प्रणाम कर रहा और थोड़ा सा उछल रहा था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि गुरुजी मुझे देख लें एक बार को। कई बार ऐसे मन में आया था, उछल उछल गए थे। तो गुरुजी उस समय मेरे कंधे पे हाथ रखा, एकदम ऐसे हाथ रख के कहते हैं कि तुम्हें मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ। तो मैं एकदम हैरान हो गया क्योंकि गुरुदेव तो कई लोगों से काफी लोग थे वहां पर, और मेरे कंधे पे हाथ रख के बोले कि मैं तुम्हें जानता हूँ। तो मन में बड़ी खुशी हुई, लेकिन मन में थोड़ा सा ये भी रहा कि अगर गुरुदेव सब कुछ जानते हैं तो मेरे अनर्थ और अपराध कितने सारे मेरे भी हैं, तो उनको भी वो पूरी तरह से जानते ही हैं। तो और फिर भी लेकिन मन में ये था क्योंकि हम होंगे ही होंगे, मेरे तो हम तो बदजीव हैं तो गुरुदेव सब ठीक करेंगे। उस समय नवदीप की जो परिक्रमा बड़ी बड़े ही भाव से, और इसमें हमारे पूज्यपाद राधानाथ प्रभु जी और हमारे अनिरुद्ध प्रभु जी, ये दोनों ने मुझे बड़ा सहयोग दिया, मुझे अपने साथ रुकवाया वहां पर। हम अब क्योंकि मठ के आसपास नहीं रुके थे, हम बहुत थोड़ा सा दूर था, 2-3 किलोमीटर दूर हम रुके थे, तो डेली रिक्शा से आते थे। तो हमें उन्होंने बड़ा अपना सहयोग दिया और अच्छा मतलब पूरा का पूरा हमें अपने पूरे समय से खाना पीना प्रसाद वगैरह सबकी मदद बड़ी ध्यान रखते थे उस समय। और पहले साल की कुछ ऐसा था कि मैं नवदीप में एक दिन, जो पहला दिन था, जो पहले दिन मैं पहुंचा, तो हमारा एक मूल मठ जो है ना, चैतन्य चैतन्य मठ जो है मूल मठ, तो हमारे एक प्रभु जी हैं जो इस्कॉन के थे और वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया था वहां पर मूल मठ। तो मेरा दिल था कि मैं उनसे मिलने जाऊं, तो पहले दिन ही मैं वहां चला गया उनसे मिलने के लिए। और जैसे मैं वहां पर पहुंचा हूँ और जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा उनसे मिला, तो एकदम बहुत तेज तेज हवाएं, इतनी आंधी, मतलब सोच नहीं सकते कि इतनी, जैसे 150 किलोमीटर के हिसाब से स्पीड चल रही हो। और वहीं पर रह के मुझे मालूम चला कि हमारा जो टेंट लगा हुआ था वहां पर वो उखड़ गया वहां पर। तो मन में बड़ा दुख तो हुआ, लेकिन मैंने कहा मैं वापस जाना था, मैं जा नहीं पा रहा क्योंकि बिल्कुल सारा हवाएं, मेरे मन में था आया हूँ और आके वापस चला जाऊंगा, लेकिन जा नहीं पाया। फिर उन्होंने कहा कि यहीं रुक जाओ और सुबह जैसी परिक्रमा यहाँ से आएगी यहीं से ज्वाइन कर लेना। तो मैंने उस समय वहां की परिक्रमा ज्वाइन करी 2004 में, जो है वहां से परिक्रमा ज्वाइन करी। और मैंने उस साल ये देखा गुरुदेव जो है जहां जहां भी सब स्थानों पे जाते थे, जिन जिन स्थानों पे परिक्रमा जाती थी जनरली वहां जाते थे। आज मेरी स्मृति में है गुरुदेव जी जहाँ, जैसे मामगाछी में कहाँ बैठे, जैसे गुरुदेव उठते थे लोग अपनी वो जो है ना चरण धूली को अपने लेकर के, कोई तो लोटपोट करता था, कोई चरण धूली को लेकर के अपने सर पे लगाता था, और सारे के सारे ऐसी दीवानगी, मतलब ऐसे ही जो ये कहीं देखने को नहीं मिलती। तो वो ऐसा भाव, ऐसे मधुर चीजें जो देख करके बहुत वो हुआ। और सारे, क्योंकि पहले साल था ना मेरा, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था एक्चुअल में, क्योंकि जहां जहां भी कथा हो रही थी ना वहां वहां के बारे में इतना मैं ना जानता नहीं था, और अभी तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी इतना ज्ञान भी नहीं प्राप्त किया था। तो फिर भी एक आनंद ऐसा आ रहा था जैसे कि ऐसा लग रहा था जैसे मैं किस आनंद के सागर में डूब रहा हूँ। अब एक जस्ट अनुभव कीजिए कि परिक्रमा चल रही हो और इधर गंगा जी हैं और इधर से चिड़िया की चींची और वैष्णव लोग अपना कीर्तन कर रहे हैं, सब वैष्णव ड्रेस के अंदर हैं, सबके सब वैष्णव ड्रेस में, सबने तिलक लगाया है, और इधर गंगा जी नदी बह रही है और महाप्रभु का डोला उसके अंदर बैठा हुआ, हम डोले के अंदर के जाबी रे गए भाई बाबा सिंधु पार। तो ऐसे ऐसे भजनों के साथ जब वो पार करें तो ऐसा लगता है हम इस जगत के नहीं है, और हम उस मतलब वहां नवदीप तो ऐसा महसूस होता कि ये जगह कोई अलौकिक है, और जो ये इस समय हम चल रहे हैं ये बहुत ही मधुर मधुर चीजों के बीच में चल रहे हैं, जो मिल नहीं सकती ऐसी चीजें, जैसे वहां का रेप्लिका है भगवान के धाम का, बिल्कुल वो ऐसा महसूस हुआ। और कभी हम जैसे हम विद्यानगर की परिक्रमा से जब हम आगे निकलते हैं तो देखते हैं सामने से ही वैष्णव की बहुत बड़ी मंडली आ रही है, इधर से वैष्णव लोग जा रहे हैं, और कोई संसार, कोई घर नहीं, कोई वो नहीं, सीधा खेत ही खेत, और ऐसा लगता है जैसे उदिल अरुण पूरब भागे दिज मणि गुरा आमिनी जागे। तो ऐसा महसूस हो करके वो एहसास अगर कोई एक बार ले ले तो मुझे लगता है कि नवदीप को एक बार चला जाए वो दूसरे जाए कि बिना उसका लोभ हो नहीं रखा। तो मैंने अपनी वाइफ से कह रखा कि 15 बार मैं जाऊंगा, एक बार तुम चला। तो ऐसा हमने नियम बांट लिया तो बड़ा दोनों के अनफेयर है लिए। प्रभु जी, है अभी 12-13 बज गए। अनफेयर हाँ किया आपने काम। जी, फेयर नहीं है, 15 बार नहीं नहीं अब आप और तो एक बार। नहीं, अब हम इकट्ठे जाएंगे, बच्चे बड़े हो गए ना, तो अब हम जी जाएंगे इकट्ठे जाएंगे, जी तो अब फेयर हो जाएगा।
वो एक बार में उतना लूट लेंगे जितना मैं 14 बार में नहीं लूट पाया। ये तो है, वो एक बार में ही हाई पावर कराएंगे। तो ना, लेकिन ये कृपा का परिणाम है गुरुदेव की है। अब आगे जैसे हम नवदीप में जाते ही थे, तो कभी कभी क्या होता था कि हम सबसे पहले एक नवदीप में ना आकर के क्या हो, सबसे पहला काम क्या है, सामान रखो, गुरु जी के कमरे में जाते थे प्रणाम करने के लिए। तो कभी तो मिल जाते थे, कभी बाद में जाना पड़ता था। तो ऐसा हम एक बार क्या हुआ, विनोद प्रभु जी के साथ गए, विनोद प्रभु जी के साथ जब गुरुदेव के कमरे में गए तो इलाहाबाद, हाँ इससे पहले क्या होता था कि हम रामचंद्र प्रभु जी और विष्णु प्रभु वगैरह क्या करते थे, सब लोगों को इकट्ठा करके एक जैसे कूपे में, आजकल तो सब लोग भाई एयरलाइन जाते हैं या अलग अलग बट गए, सब अपने अपने सुविधा के अनुसार जाते हैं, लेकिन उस समय क्या आता था, हम पूरा का पूरा ट्रेन की एक बोगी बुक हो जाती थी। और ट्रेन की बोगी तो पूरी नहीं, लेकिन हाँ मैक्सिमम लोग उसमें होते थे हमारे, कोई दूधर दूसरा तरफ ही होता था, वो प्रसाद लेके जाते थे, प्रसाद बांटते थे, और हम कई कई जगह स्टेशनों पर उतर के कीर्तन किया करते थे। तो वो भी एक बहुत सुंदर समय था हमारा, जिसमें प्रभु जी वगैरह सब होते थे, कथा भी होती थी ट्रेन के अंदर ही, कीर्तन खूब होता था। तो हम लोग इलाहाबाद से जो हमने गुरु जी के लिए अमरूद लिए, और अमरूद लेकर के हम वहां पर जाए, और विनोद प्रभु जी भी थे, हमने गुरु जी को अमरूद दिए, पहले तो गुरु जी ने हाथ में लिया और जैसे थोड़ा सा मुंह में आने लगे, फिर कहते हैं बाद में पा लूंगा, रख दिया। और जब ऐसे ही जब दिल करता था चले जाते थे गुरु जी के कमरे में, हालांकि हम हमें मालूम नहीं था कि कैसे करना है, लेकिन एक लोभ रहता था हमेशा। दिल्ली में रहते थे तब भी लोभ रहता था कि एयरपोर्ट में जाते थे हम लोग, और एयरपोर्ट से फिर सीधा आए वापस, और आते कहाँ जाते थे, शालीमार बाग, जहाँ गुरु जी जाते थे बीच में, क्योंकि तो मठ में अभी कमरे नहीं बने थे ना, तो शालीमार बाग में रुकते थे, वहां पर ले जाते थे, फिर वहां रुकते थे, फिर रात को घर आया करते थे। तो ऐसे गुरु जी के कमरे में हम वहां जाया करते थे नवदीप में। तो एक बार गुरुदेव ने कहा कि क्या बोले, विनोद प्रभु जी मैं थे, तो कहते हैं आगे आप लोगों को देखना है, मतलब ऐसे कुछ बोले, तो वो भी एक तरह से आशीर्वाद था। और एक बार की बात है कि गुरु जी हम लोग परिक्रमा में, एक दिन बरसात बहुत हुई, एक दिन नवदीप की परिक्रमा के बरसात बहुत तेज हुई सुबह सुबह, तो मेरे मन में और हमारे मन में आया कि आज बरसात बहुत हो रही है, आज हम गुरु जी के कमरे में रुक जाते हैं, वहीं पर बैठेंगे, गुरु जी से बात करेंगे, है ना। तो हम सीधा चले गए गुरु जी के कमरे में, और गुरु जी ने भी उस समय अकेले ही थे, और हम भी पहुंच गए, मैं और विनोद प्रभु जी गए, पहुंच गए और प्रणाम किया गुरु जी को। जैसे ही प्रणाम किया तो गुरु जी बोले तुम लोग परिक्रमा में नहीं गए, तो हमने कहा महाराज जी हम लोग परिक्रमा में नहीं गए क्योंकि बरसात बहुत तेज हो रही है और हम आपके आज यहीं रहना चाहते हैं। तो गुरु जी कहते हैं कि देखो हम लोग जो थे ना, हम लोग परिक्रमा में ना बरसात में भी जाया करते थे, हम कभी रुकते नहीं थे, हम लोग बरसात में भी चले जाते थे। तो हमारे मन में ये उदित हो गया कि गुरुजी ने क्या किया, एक तरह से डायरेक्ट आज्ञा ना दे करके कम से कम ये इंडिकेशन दे दिया कि चाहे बरसात हो चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आंधी हो बरसात हो कुछ भी क्यों ना हो, परिक्रमा कभी नहीं छोड़नी, परिक्रमा में जरूर जाना है। तो उसी समय हम लोग खड़े हुए और एकदम चल पड़े, एकदम वहां से एकदम निकले, और एकदम परिक्रमा को भाग करके ज्वाइन कर लिया था हमने। तो गुरु जी ने क्या, एक जैसे है ना, एक आदर्श के रूप में हमें एक बताया कि जो धाम के प्रति निष्ठा क्या होती है, धाम की परिक्रमा के प्रति आपकी निष्ठा रहनी चाहिए, और ब्रजवासियों के प्रति जैसे है ना वो निष्ठा रहनी चाहिए, धाम वासियों के प्रति निष्ठा, धाम परिक्रमा के प्रति निष्ठा रहनी पड़ेगी, भक्ति के अंगों के प्रति आपकी निष्ठा पूर्ण रूप से रहनी पड़ेगी। और हम ऐसे ही करते रहे, जैसे नवदीप तो हमारे लिए एक एक ऐसा था कि अलौकिक स्थान, और वो बोलते हैं ना कहते हैं वैष्णव पद जल, वैष्णव उच्चिष्ट, और वैष्णव दर्शन, वैष्णव चरण धूलि, वैष्णव पद जल और वैष्णव उच्चिष्ट, यही साधन बल, तो ये कहा जाता है। अब वैष्णव पद जल तो वहां पर तो जलों में स्नान करते हैं, गंगा नदी में स्नान करते हैं, हम जल ले लो तो वैष्णव पद जल तो मिल ही जाएगा, वैष्णव जब चलते हैं परिक्रमा मार्ग में तो उनके चरणों की धूलि अपने आप ही अपने ऊपर आ जाती है, तो हमारा उद्धार वहीं से। और वहां पर तो कोई होटल होटल है नहीं, और कितना प्रसाद पाते हैं, छोड़ भी देते हैं कभी भी पालो, इतना वैचन उच्चिष्ट आराम से मिल जाता है। तो कितना मतलब जो जो भक्ति के लिए हमारे लिए जो अनुकूल वस्तुएं हैं वो नवदीप धाम में तो और ब्रज धाम में इतनी सहज हैं, बड़ी सहज हैं, ये तो हमारे लिए एक तरह से ना लॉटरी वाली सिस्टम है। कि अब ऐसे नवदीप के प्रति हमारा बड़ा लोभ बना रहा हमेशा के लिए, और हमारे एक हमारे पूज्य कमल प्रभु जी हैं,
एक हमारे दो तीन हमारे ग्रुप बना हुआ है विनोद सागर प्रभु जी उनके, वो इकट्ठे जाते हैं वहीं रुकते हैं, वहीं से फिर अपना परिक्रमा साथ ही चलते हैं। तो ऐसा है नवदीप, पहले साल जब वापस आए हम वापस, तो कुछ वापस आने से पहले हम एक और बताना भूल गया कि पूज्यवत हमारे जो है ना इसमें रोनी नंदन प्रभु जी का बहुत बड़ा वो रहा है, हमारे जीवन में बहुत बड़ा उपकार रहा है। उन्होंने उनके जब करोलबाग में कथाएं चलती थी तो हम लोग जाया करते थे वहां पर, और एक हमारे एक धनंजय प्रभु हमें लेके गए वहां पर, और वहां पर कथाओं का उन्होंने और लोभ पैदा कराया। तो वहां के माध्यम से उन्होंने हमें गुरुदेव से अपोलो हॉस्पिटल में भी, मतलब जो हॉस्पिटल में थे हॉस्पिटल में मिलाया, और जब हॉस्पिटल में गुरुदेव से मिलाया तो गुरुदेव से रोनी नंदन हम लोग 8-10 लोग गए एक साथ, जिसमें हमारे तमाल प्रभु जी थे, मैं भी थे, कृष्णनाथ प्रभु जी भी थे और 5-6 लोग और थे। तो रोनी नंदन प्रभु जी ने मिलाया हम सबको, क्योंकि डेली हर हफ्ते कथा कराते थे, तो उन सबको इकट्ठे लेके गए वहां पर, और जाकर कहते हैं कि गुरुदेव ये लोग आपकी इंतजार कर रहे थे, ये लोग जितने भी मैं लाया ये लोग आपकी इंतजार कर रहे थे। तो उसी समय गुरुदेव बोल पड़े, मैं भी इन लोगों की इंतजार कर रहा था, तो मैं भी इंतजार कर रहा था। और मैंने एकदम अलग से फिर मैंने गुरुदेव से हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा गुरुदेव आप हमें स्वीकार कर लीजिए। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, सर पे हाथ लगाया, मतलब एक तरह से कहते हैं एक तरह से अपनी वो दिए अनुमति दी एक तरह। तो बहुत आनंद और अच्छा हुआ, क्योंकि ये महसूस करने वाली चीज है, बताने मतलब बताना तो समर्थ ही नहीं होता हो पाता कि कैसे बताया जाए इन सब बातों को। आज भी हम ये हमारी पूंजी बन गई है, और क्योंकि तो हालांकि हमारा बहुत ज्यादा मतलब उस भाव से मिलन तो नहीं, उस तरह से तो नहीं हुआ कि जैसा एक हमारे सीनियर वैष्णव के हुआ, लेकिन जितना भी हुआ लेकिन वो भी अपने आप में बहुत ही हमारी कृपा का एक बहुत बड़ा वो है। बिना गुरु कृपा बिना वैष्णव कृपा के कभी भी भक्ति होना असंभव है, और सारी की सारी भक्ति वैष्णव गुरु वैष्णव के हृदय से ही हमारे हृदय में आ सकती है। ये इस बात की अनुभूति सदा हमेशा रहती है, और ये बात की अनुभूति मेरे सदा बनी रहे और कभी भी ना खत्म हो, ये मैं प्रार्थना करता हूँ आपके चरणों में, सबके चरणों में, कि ऐसा बना रहे मेरे अंदर ये भाव, और वैष्णव सेवा मिल जाए तो बस बात ही क्या है। तो इसके बाद एक बार की बात है, एक बार हम ऐसे ही जाते थे, फिर कार्तिक में जाना होता था हमारा, कार्तिक की परिक्रमा के बारे में। तो पहले साल भाई उसके में मुझे कार्तिक की परिक्रमा का ही नहीं पता था कि कार्तिक में भी परिक्रमा होती है, 1 महीने की आते हैं वापस आते हैं। तो गुरुदेव कार्तिक की परिक्रमा का दिल्ली आए, दिल्ली में कमरे में रुके, कमरे में ऊपर आए, और सब काफी सारे हमारे भक्तगण आए हुए थे, और कमरे के अंदर गुरुदेव का जो कमरे में आजकल कथा चल रही है उस कमरे में आए। तो सबने एकदम सबने ना मुझे इशारा किया, कुछ पूछो कुछ पूछो कुछ पूछो। तो मैंने गुरु जी से पूछा, मैंने कहा गुरु जी मेरी मतलब भक्ति कैसे बढ़े मेरी। तो गुरु जी एकदम हंसे, हैं मेरी भक्ति कैसे बढ़े। तो कहते हैं पूरे कार्तिक में मैं क्या सुना रहा था, पूरे कार्तिक में मैं क्या सुना रहा था। मैंने कहा मैं कार्तिक में, मैंने कहा महाराज जी मैं तो कार्तिक में गया ही नहीं। कहते क्यों नहीं है, मैंने कहा मुझे ज्ञात नहीं था। तो कहते आना, और फिर कहते हैं कि कहते कितना अपने आप को दे सकते हो, कितना अपने आप को दे सकते हो। तो सभी बैठे सुन रहे थे, तो एकदम गुरु जी से सब बोल पड़े, गुरु जी ये गृहस्थी है। फिर गुरु जी कहते हैं जितनी भक्ति करते हो करते रहो और आप बढ़ाते रहो अपनी भक्ति, ये बोला उन्होंने। तो ऐसे ही मतलब ये एक बहुत अच्छा अनुभव रहा कि गुरु जी, और फिर जब गुरु जी हरिनाम और दीक्षा हुई फर्स्ट ईयर में मेरी, तो गुरु जी एक जो सीढ़ियां हैं उस तरफ जो पहले रसोई है उसके बाद सीढ़ियां हैं, तो उसके अंदर बैठ के की, तो सब लोग अपना तो गुरु जी से जो बाल बूल मैंने भी कटवाए, लेकिन थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से, बिल्कुल ही छोटे छोटे से रख करके ले आया था कटवाए थे। तो मेरी हरिनाम की माला थी, मैंने मेरे मन में ये था, दो भाव थे, एक तो ये था कि गुरु जी से नई माला लेनी है, और दूसरा क्या था कि मुझे जो भी याद करे ना उस संसारिक नाम से याद ना रखा जाए, गुरु जी जो नाम दे उसी नाम से याद रखा जाए। और संसारिक नाम शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन मेरा जो ये गुरु जी का नाम था वही पॉपुलर हो गया। आपका नाम क्या तो था, दूसरा नाम, दूसरा हाँ जी नाम क्या आपका? हाँ किसी संजीव नाम है। को नहीं पता ये बात, सही हाँ है। वो कम पता है लोगों, तभी मैं कह रहा हूँ वो उस समय मेरे मन में यही था। और जनरली मैंने देखा कि ज्यादातर लोगों के वही नाम, कईयों के नाम ही इतने अच्छे हैं कि वही नाम उनको, जैसे नवीन कृष्णनाथ प्रभु जी का नाम है तो वो भी भक्ति वाला नाम है, और कईयों के नाम है तो वही नाम सेम मिले हैं,
और कईयों को अपने नाम, जो भक्ति वाले जो गुरुजी के नाम मिले वो भी आज के मतलब ज्यादातर पॉपुलर नहीं हो पाए उन पर, तो लेकिन मुझे ये बात की खुशी है। और गुरुजी से एक ना उन्होंने जो माला कर रहे थे तो मेरे मन में आया कि ये माला मुझे मिल जाए, मतलब गुरुजी के हाथ से। तो गुरुजी ने कहा कि तुम अपनी माला देना जो कर रहे हो जिसपे जाप, तो मैं ऑलरेडी कर ही रहा था इस्कॉन में वो जो माला ली हुई थी काफी समय से, तो मैंने वो माला ली, दे के गुरुजी ने माला ले ली। और कहते फिर मैंने कहा गुरुजी आप मुझे माला अपने हाथ से दूसरी दी, तो उन्होंने उसी समय फिर मुझे दूसरी, कहते ये मैं ले लूं, मैंने कहा हाँ गुरुजी, तो वो मेरी माला किसी और को दे दी वो माला। तो ये भी एक अच्छा रहा। और एक बार ऐसे कार्तिक में जब हम जाते थे तो गुरुजी के की कमरे में सबसे पहले ही जाते थे हम लोग मिलने के लिए, कई बार वैष्णव के साथ मिलके जाते थे और कभी अकेले भी जाना पड़ जाता था। तो गुरुजी के जब जाते थे तो हम जाते समय और वापस आते समय दोनों तरफ मिलन होता था। तो हम वापस कई बार वापस आ रहे हैं कमरे से मिल करके, तो कहते कहाँ जा रहे हो, 3 4 दिन जैसे मान लीजिए हम हफ्ते की छुट्टी लेकर आए तो हफ्ते के बाद जाने लगे, कहाँ जा रहे हो, गुरु जी वापस जा रहे हैं नौकरी करने। तो कहते हैं क्या नौकरी है ना, तो कहते हैं यही रहो, कहता गुरु जी बहुत जाना जरूरी है। तो फिर तेरे तेरे, लेकिन मन में खुश नहीं होते थे, वो कभी नहीं चाहते थे कि कार्तिक छोड़ के कोई वहां से जाए, लेकिन फिर भी हम लोग फिर आना जाना लगा रहता था, दिल्ली वालों का वहां रहता था। और लेकिन एक तरह से उनको स्मृति में रहता था कि हाँ, वो कहते थे कि आते रहो, फिर लगातार आते रहो। ऐसे चलता रहा। तो एक बार राधाष्टमी से पहले ललिता सप्तमी आती है, तो ललिता सप्तमी के दिन हम लोग, मैं संजय बांगा प्रभु भी हुआ करते थे, तो वहाँ उनके साथ में सानिध्य में वहां गए गोवर्धन में। तो गुरु जी गोवर्धन में थे, तो गुरु जी वॉकिंग के लिए थोड़ा सा बाहर निकले और पार्क के अंदर गए जहाँ वो कमल का फूल लगा हुआ है और जहां पर उनकी पुष्प समाधि आज के समय उसके सामने वाले पार्क में। जैसे जा रहे थे तो जाते 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 थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, तो मैंने गुरुजी को प्रणाम तो किया और गुरुजी आगे बढ़ रहे हैं देखा भी, उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। तो मैंने बोल पड़ा, मैंने गुरुदेव आप मुझ पे कृपा कीजिए। तो गुरुजी कुछ नहीं हुए, सीधा आगे चलते गए, थोड़ा सा आगे चलते गए, आगे चलते 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 थोड़ा सा मुझे देखा पीड़ मुड़ करके, बुलाया, फिर मुझे पीछे से बुलाया, मैं एकदम पहुंच गया। तो मुझे कहते कहते क्या मैंने तेरे पर कभी कृपा नहीं करी, कहते क्या मैंने तेरे पर कभी कृपा नहीं करी। तो उस समय मैं एकदम बिल्कुल हैरान हुआ ये सोच करके। और आज के समय में मैं सोचता हूँ, और आज के समय नहीं पहले ही उस समय सोचा कि ये शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है। अगर गुरुदेव कह रहे हैं कृपा करी है, मैंने तो कृपा मांग रहा हूँ है ना, और गुरुदेव की कृपा तो नित्य निरंतर हो रही है, बारिश तो हो रही है, और मैं ही छाता लेके खड़ा हूँ तो मैं भीगूंगा थोड़ा। तो आज जो गुरु वैष्णव के दर्शन कराना, मंदिर के दर्शन, भगवान के से दर्शन कराना, हरि नाम देना, भिक्षा देना, साधु संग करवाना, धाम के दर्शन करवाना, ये सारी गुरु कृपा का परिणाम है। भजन में आज अगर व्यक्ति अगर एक कुछ भी बढ़ता है वो गुरु कृपा का परिणाम होता है। गुरु कृपा के बिना वो ना ही कोई साधन, गुरु कृपा बिना ना ही कोई साधन बल, भज रे मन अनुशन गुरु चरण कमल भज मन। तो गुरु की कृपा के बिना भजन में बिल्कुल नहीं बढ़ सकते। वो कहते हैं सर कटाए भी गुरु मिले तो भी सस्ता जान, सर कटाए भी गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो अगर हम इसको अगर सही अर्थ में लेंगे तो ये कौन बोल सकता है, ये वही बोल सकता है जिसे गुरु तत्व की अनुभूति है। जिसको अनुभूति नहीं गुरु तत्व की वो क्या बोलेगा इसको सर कटाए भी गुरु मिले, क्योंकि उसके लिए तो उसका शरीर इंपॉर्टेंट है, अपना शरीर इंपॉर्टेंट है ना, गुरु की क्या महत्वता। जैसे हमारी कथाओं में सुनने में आता है ना, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी और नरोत्तम दास ठाकुर जी, इन दोनों की जीवन में आता है कि उन्होंने जो गुरु को प्राप्त करने के लिए अपने हर वो कार्य किया, मतलब ना अपने उनकी सेवा करी अच्छी तरह से, और सेवा के प्रसन्न होकर के गुरु जी ने उनको अपना, नरोत्तम दास ठाकुर ने उनके शौच क्रिया की भी सेवा करके और उनको अपने गुरु के रूप में उन्हें प्राप्त किया। और ऐसी भक्तिनाथ प्रभुपाद जी, गौर किशोरदास बाबा जी के एक एकमात्र शिष्य जिन्होंने उन्होंने सोचा था दीक्षा लेंगे तो उन्हीं से लेंगे, तो स्वयं बार बार गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के मना करने के बावजूद भी कई कई बार टाल देते थे कि मैं महाप्रभु से पूछूंगा, कभी कहते थे मैं पूछना भूल गया। फिर तो जब भक्ति विनोद ठाकुर जी ने से उनसे कहा कि ये तो देगा ही तो आपसे, तो फिर बाद में उनको हरि नाम दीक्षा दी उन्होंने, तो एकमात्र शिष्य हुए। तो ये क्या हुआ, ये जो है वही अनुभूत कर सकता है कि गुरु की
कि कृपा के बिना भगवान प्राप्त नहीं, और भगवान की सबसे बड़ी कृपा यही होती है कि गुरु से पहले मिलाते हैं। तो ऐसा ऐसा हमारे अनुभव हुआ कि भगवान की मेरे पर विशेष कृपा रही, कि विशेष 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 कृपा रही कि मुझे ऐसे सदगुरु से के दर्शन कराए, उनसे मिलाया। तो ऐसा जीवन में चलता रहा। ऐसे यहाँ पर हमें सबसे बड़ा कुछ परिणाम क्या हुआ कि हमारे पूज्य बाबा रामचंद्र प्रभु जी की कथाएं सुनने को नित्य निरंतर मिलती रही। तो यहाँ पर मठ में क्या होता था कि मठ की इतनी कथाओं सुनने के बाद इतना आनंद आता था। तो मेरा एक ये भाव रहता था कि किस प्रकार से इस कथा में लोग आए। तो मैंने कुछ नंबर जो शुरू शुरू के समय में जो मठ बना था, तो नीचे होती थी कथाएं, तो मैं सबके नंबर लेकर के ना जो जो कई कई होते थे हमारे प्रभु वगैरह होते थे या कई दीदी होती थी, मैं उनको फोन करता था कि आज कथा में जरूर आना, आज कथा में जरूर आना, आज कथा में जरूर आना। और जितने बाहर खड़े आते थे, नए नए मठ बना था, तो उन सबसे भी मिलकर के बातें करना शुरू कर देता था, भगवान से संबंधित बातें, प्रचार से संबंधित। तो ये सब बातें कर करके उन कईयों से बात करके उनको कथा के प्रति प्रेरित करती थी ना आना शुरू, मतलब उनको बुलाता था। मतलब एक तरह से मुझे अच्छा लगता था कि लोगों से बात करूं, उनको कथा में बताऊं। तो वो ये ऐसा चलता रहा आगे। और फिर ऐसे नवदीप चलता रहा, ऐसे ऐसे चलता रहा। लेकिन आज के समय में अगर हम देखें कि गुरु जी का जो अवदान है, हमारे जीवन में बहुत अनमोल है। अगर मैं हमारे जैसे वैष्णव के 26 गुण बताए गए हैं, 24 गुण बताए गए हैं, कृपालु, अगर हम मैं अगर हम लोग सुनते हैं ना कृपालु, अकृत दो, सत्य सार सम, शुचि महावदन, ऐसे बहुत सारे गुण हैं। अगर मैं उनको अगर हम आज के समय सोचते हैं ऐसे 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 गुणों के भंडार हैं गुरु जी की, अगर हम वर्णन कर रहे हैं तो कृपालु ऐसे हैं कि जहां जहां जो जो भी उनके शरण में आया, उन्होंने सबको स्वीकार किया और सबको अपनी कृपा का पात्र बनाया। तो म्यूट हो गया प्रभु जी, म्यूट। मन महाराज जी, पूज्य पात श्रीधर महाराज जी है ना, पूज्य पात माधव महाराज जी, इन सबके हम दर्शन करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि उनके रूप में हम गुरु जी के ही दर्शन करते हैं, क्योंकि उन्हीं के ही ये हैं, वो हैं, प्रकाश हैं। और आज हम पूज्य पात रामचंद्र प्रभु जी, विजय कृष्ण प्रभु जी, पूज्य पात विजय कृष्ण प्रभु जी, पूज्य पात परमेश्वरी प्रभु जी, पूज्य पात कृष्णदास प्रभु जी, इन सबके भी देखते हैं तो सबके देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इनके हृदय का प्रेम देख करके हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ भी खोया तो है, लेकिन इनकी कमी वो पूरी कर रहे हैं, पूरी तरह से कर रहे हैं वो अच्छी तरह से। तो इन सब का हमारे जीवन में बहुत बहुत ही पॉजिटिव असर रहा है। हम इन लोगों को बहुत प्रेम मिला हमको, पूज्य पाद परमेश्वर प्रभु जी का, पूज्य पाद कृष्णा प्रभु जी और पूज्य पाद विजय कृष्ण प्रभु जी, रामचंद्र जी, सबका प्रेम मिला। रामचंद्र प्रभु जी तो मुझे प्रेम से कभी मिनी गुरु, कभी मेजर गुरु, ऐसे बहुत हमेशा ही ऐसे बुलाते हैं, और मैं भी एक उनका एक प्रिय पात्र बना हुआ हूँ, तो ये भी अच्छा लगता है। और ऐसा जैसे मैंने बता रहा था वैष्णव के 26 गुण, तो गुरु जी में पूर्ण रूप से परिलक्षित दिखते हैं। जैसे कृपालु बताया मैंने, और अकृत दो, मतलब जिसे कहते हैं ना अकृत द्रोह, क्या होता है कि किसी के प्रति कोई द्रोह ना रखना। गुरु जी से भी दो रखने वाले हुए हैं, लेकिन गुरु जी ने कभी भी किसी को सबको क्षमा किया, कभी भी किसी का वो नहीं किया, अपराध नहीं लिया। और सत्य सार, मतलब क्या आता है सत्य सार का अर्थ क्या है? सत्य सार का अर्थ होता है कि सत्य वस्तु को जिसका सार है, सत्य वस्तु गण एकमात्र कृष्ण ही, तो कृष्ण ही उनके जीवन का सार है। राधा उन्होंने, और अगर हम अवदान देखें तो गुरु जी का क्या अवदान है सबसे बड़ा, उन्होंने हमें बहुत लोभ दिया, भजन के प्रति लोभ दिया, भक्ति के प्रति लोभ दिया, और सबसे बड़ी क्या चीज दी हमें, राधा दास्यम, राधा दास्यम। और गुरु जी की जैसे क्या करते थे, गुरु जी जब दिल्ली में आकर के कथा करते हैं तो वो शुरुआत तो शरीर और उसका करते हैं, शरीर आत्मा के भेद को बताते हुए करते हैं, लेकिन जब कथा करते 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 हमें कहां किस भाव तक लेके जाते हैं, राधा दास्यम भाव तक, ब्रज की लीला तक लेके जाते हैं, और कहते हैं कि अपने लक्ष्य की तरफ चूकना नहीं है। और गुरु जी कभी भी सांसारिक चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं बताते। और होता क्या है कि गुरु जी जैसे हम ब्रज में, नवदीप में जैसे ब्रज में जाते हैं और गोवर्धन में जाते हैं, तो हमेशा एक ही चीज का कहते हैं कि गिरिराज को सर्व अभीष्ट प्रदाता कहा जाता है, सर्व अभीष्ट प्रदाता, कि जिससे जो मांगो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं खबरदार, तुम कुछ मत मांगना यहाँ से, तुम्हें मालूम ही नहीं है मांगना क्या है, तुम्हारे लिए मैं मांगूंगा।
तो हमेशा ये उन्होंने उनका यही भाव रहा है हमेशा कि गुरु जी किन्हीं कहते परम लक्ष्य से जरा सा भी विचलित मत होना। एक बार मतलब इसी संदर्भ में जैसे हमने सुना है वैष्णव के मुख से ही सुना है कि जैसे पूनम दीदी हमारे गुरुदेव की बड़ी प्रिय शिष्या हैं और उनके मुख से कईयों के मुख से सुना कि गुरु जी ने कहा कि गुरु जी मेरे से भक्ति में उत्थान नहीं हो रहा, कुछ बढ़ोतरी नहीं हो रही। तो गुरु जी कहते ना सर्व समर्थ हैं। तो गुरु जी बोलते हैं कि तुम्हें कहो तो मैं अभी वैकुंठ भेज देता हूँ। तो कहते गुरु जी कहते हैं नहीं 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 महाराज जी, मैं वैकुंठ नहीं जाना चाहती। कहते तुम कहो तो फिर मैं तुम्हें राम जी के लोक में सीता की दासी बना दूंगा। तो वो भी उन्होंने मना कर दिया कि ये भी मैं नहीं चाहती कर बनना। तो फिर कहते कहो तो द्वारका की महिषी में तुम्हारा स्थान दे दा दूं, महिषियों की पटरानियां जो हैं उनकी सेवा दिला दूंगे। नहीं नहीं गुरु जी वो नहीं। कहते तुम चाहते क्या? कहते गुरु जी जो आप देना चाहते हैं राधा दास वो चाहते हैं। कहते जब इतना बड़ा लक्ष्य आपके हृदय में पहले से ही बड़ा पड़ा है ना, तो कहते कुछ हो नहीं रहा ये कैसे है? ये संभव नहीं है कि अगर आपके हृदय में इतना बड़ा लोभ और जो गुरु जी देना चाहते हैं वो अगर आपके हृदय में है तो यही लोभ जो है ना ये क्रिया करेगा और अपने भजन साधन करते एक लक्ष्य रखो। इसलिए गुरु जी हमेशा गुरु जी की जो अगर हम भगवत गीता भी पढ़ते हैं तो हर चीज एक रसात्मक वे में है, कोई भी चीज उन्होंने छोड़ी नहीं। अब हम कृष्ण की अब ले लेते हैं ना, मन मना मत भक्तो मद्याजी मानुष करु माम एव एष्यसि सत्य ते प्रतिजानी प्रियोसि में। तो गुरु जी ने उस भगवत गीता के मन मना में भी किसको लिया मन को, जिस मन से गोपियों के मन को लिया और लीला भी कुछ सुनाई कृष्ण मन वाली जो गोपियों के मन वाली लीला सुनाई। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवदान कि गुरु जी ने हमें क्या दिया, सबसे ऊंची वस्तु प्रदान करी जिस जो कोई दे नहीं सकता। और कभी कभी तो गुरु जी के कहा जाता था कि गुरु जी इतनी ऊंची वस्तु दे रहे हैं जो जिसके अधिकारी नहीं उनको वो दे रहे हैं। तो गुरु जी कहा करते थे कि ये वस्तु अगर ना दी जाए तो ये लोभ हो सकता है खत्म, अगर खत्म हो जाएगा कि फिर कोई देगा नहीं तो ये संसार में रहेगी नहीं। तो उनके ग्रंथ भी जो है ना, पहले उज्जवल नीलमणि सॉरी जो जैव धर्म का जो तीसरा खंड नहीं था रस तत्व रस विचार, तो वो रस विचार को भी गुरु जी ने अपने तीसरे जैव धर्म के तीसरे खंड में शामिल किया। तो ये लोभ देने के लिए हमें एक ही, ये लोभ नहीं होगा तो ये धीरे धीरे सब ये लुप्त हो जाएंगे। तो उन्होंने ये विचार दिया। तो ऐसा है कि गुरु जी के जो अनंत गुणों में जैसे एक और जैसे कहते हैं ना वैष्णव के 24 गुणों में जो एक मुख्य गुण होता है कृष्ण एक शरणम, कृष्ण क्षण, तो एकमात्र कृष्ण की शरणम है। और निरपेक्ष, निरपेक्ष में जब आता है तो ऐसे सुनने में आता है, सुना में आया कि एक बार हमारी जैसे यात्रा हो रही थी तो वहां का डीएम आया था। तो डीएम जो अपने मायावादी विचार भी अपनी जब उसको हाथ में माइक हुआ तो उन्होंने अपने मायावादी विचार कुछ पेश करने की शुरू करे। तो उसमें लेकिन गुरुजी ने ना एकदम उसकी बात को काट दिया, उसकी बात को काट करके एकदम भक्तिपरक विचार अपने देने शुरू किए। तो लोगों को लगा कि कहीं ऐसा ना डीएम बुरा मान जाए तो उसका परिक्रमा ना बंद करा दे, लेकिन उसने कुछ भी नहीं उसका प्रतिरोध किया। और गुरु जी ऐसा करने में इसलिए क्यों समर्थ हुए, क्योंकि वो एकमात्र कृष्ण एक शरणम है, एकमात्र शरणागति के जो लक्षण है कृष्ण ही रक्षक है कृष्ण ही पालक है। तो वो कृष्ण एक शरणम होने के कारण वो ऐसे विचारों को कर पाए। और गुरु जी क्या है कि योगाचार्य की भी उपाधि को लेते समय भी उन्होंने बड़े ध्यानता से उन्होंने स्वीकार किया था कि किसी गौड़ीय मठ के व्यक्ति को मिल रही है इसलिए मैं ले रहा हूँ, और साथ में उन्होंने कि ये मेरे गुरु की ही को अर्पित कर दिया इसलिए अपने विचार अपने ऊपर नहीं रखा। साथ में हम जब व्यास पूजा में जाया करते थे वहां पर गुरु जी की व्यास पूजा वो आनंद धाम में हुआ करते थे, तो वहां जाते थे तो अपनी आंखों से हमने खुद देखा कि इतने इतने लोग मिलने आ रहे हैं, इतने इतने लोग मिल रहे हैं। और वहां पर काफी मतलब थोड़ा सा गर्मी का भी माहौल हो जाता है ये होता है, लेकिन गुरु जी सबको मिल रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, सबको माला दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और बिल्कुल भी थकान की बिल्कुल भी वो नहीं नजर आ रही। तो ऐसी चीजें बहुत होती गई जीवन में, ऐसे में बढ़ते गए। तो आगे ऐसे गुरु जी जब दिल्ली में आते थे तो सबसे बड़ा हमें क्या लगता था कि हम लोग सुबह सुबह उनकी जो होती ना मॉर्निंग वॉक, उनमें उनके साथ जाया करते थे मॉर्निंग वॉक में। मॉर्निंग वॉक में के तो एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ करता था और उसमें काफी भीड़ हुआ करती थी। हमारे पूज्य बाद रोनी नंदन प्रभु जी, संजय बांगा और भी कई वैष्णव यहाँ पर आते थे तो प्रश्नोत्तर काफी हुआ करते थे वहां पर। तो ऐसे ऐसे प्रश्न होते थे कि जो हमारे भक्ति को बढ़ाएं, और गुरु जी भी बड़े प्रेम से उसका सबसे मिलते थे और उत्तर दिया करते थे।
तो एक बार की बात है, कौन सा प्रश्न किए थे? हाँ, पूज्य पाद रोहिणी नंदन प्रभु जी ने प्रश्न किया था कि क्या गुरु भक्ति और कृष्ण भक्ति बराबर है, क्या गुरु भक्ति और कृष्ण भक्ति बराबर है। तो जी उसने इसका अनुमोदन किया था कि हाँ, गुरु भक्ति और कृष्ण भक्ति को बराबर ही कर सकते हैं, इन दोनों में कोई भेद नहीं। फिर साथ में कि क्या गुरु जी कृपालु हैं, गुरु जी का व्यवहार सम होता है सब सब भक्तों के प्रति, गुरु जी का व्यवहार सम है, गुरु जी का जो व्यवहार है, गुरु जी का जो कृपा या दया, क्या सब वैष्णव के प्रति समान रूप से है। तो गुरु जी कहते हैं कि जैसा भगवान करते हैं वैसा ही है, जैसे भगवान कैसे कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यते तास्ते हैं। तो फिर बाद में प्रश्न के पीछे क्रॉस क्वेश्चन हुआ कि गुरु जी तो ज्यादा कृपालु होते हैं, कहते हैं गुरु जी कृपालु भी हैं, यही उनकी कृपा है कि ये यथा माम प्रपद्यते। तो उन्होंने कहते हैं गुरु जी एक बार है, गुरु जी क्या क्या वैष्णव वैष्णव में भेद करते हैं? कहते हैं एक वैष्णव जो नित्य निरंतर मेरी सेवा कर रहा है, जो सेवा कर रहा है और नित्य निरंतर उसमें लगा हुआ है, भगवान की वैष्णव की सेवा में लग रहा है, गुरु की सेवा में लग रहा है, और एक वैष्णव कभी कभी करता है, तो कैसे समान हो सकता है, कैसे समान हो सकता है। कहते हैं वो अपने स्तर को उठाए तो जैसे जैसे वो उसकी कृपा उसी परिणाम से होगी, गुरु वैष्णव की कृपा जिस परिणाम से उनकी उसकी निष्ठा होगी, स्तर होगा कि वो अपनी कितनी सेवा कर रहा है, उसी परिणाम से कृपा भी उसी परिणाम पे आती है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे गुरु जी से बहुत कुछ सीखने को मिला। और एक ने पूछा कि गुरु जी आपके प्रति प्रेम कैसे बढ़ाया जाए। पूज्य पाद सुंदर गोपाल प्रभु जी उस समय में आते थे, तो कहा कि गुरु जी आपसे प्रेम कैसे बढ़ाया जाए। तो गुरु जी ने कहा कि जी कितना त्याग और समर्पण, नहीं गुरु जी ने क्या बताया था उत्तर, अपनी पत्नी से प्यार करते हो, क्या हाँ किसी से प्यार करते हैं, तो इन्होंने कहा, तो कर्तव्य इन्होंने फूल का तुम्हारा? फूल दिया अपने हाथ से, कहते इससे तो होगा नहीं। तो इसका मतलब क्या था कि वो संपूर्ण रूप से चाहते हैं, है ना आपको। तो वो उन्होंने क्या हुआ उसके बाद से, तो सुंदर गोपाल बाबू जी मेरे ख्याल से पूरी तरह से ही शरणागत हुए, गुरु जी के प्रति शरणागत हुए, और आज उन्होंने काफी वैष्णव को जोड़ा है और काफी भजन मार्ग में आगे बढ़ गए हैं, काफी अच्छी अच्छी सी कथा करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है उनसे सुनने से भी, और कितना लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, काफी लोगों को प्रेरित किया। हम लोग जब मठ में थे तो हम लोग कुछ सेवा कार्य करते थे उस दिनों में, शुरू शुरू में तो जैसे बसें लेके जाते थे मठ की तरफ से बसें, और उसमें हमारे पूज्य नवीन प्रभु जी का भी बड़ा हाथ होता था। लेकिन जैसे हम क्या होता था कि जब बसें करते थे तो मन में मुझे डर लगता था कि बस सब कुछ सुविधा अच्छी तरह से हो जाए, कुछ भी बिगड़े ना सब कुछ। और मठ में हम बस में क्या ऐसे करते थे कि हर बस के अंदर कथा भी वाला भी होना चाहिए और कीर्तन वाला भी होना चाहिए, कथा कीर्तन दोनों होने चाहिए, और साथ में सबके पास कागज होने चाहिए, प्रसाद की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से लेकर रात के डिनर और दोपहर का प्रसाद, और किसी को और सब लोग कथा सुनेंगे और साथ में कीर्तन में पार्टिसिपेट करेंगे, और हाथ में पेज भी होना चाहिए जो 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 भजन गा रहे हैं। तो प्रयास यही रहता था, और उसमें हमारे कई वैष्णव ने हमारा बड़ा संग दिया उसमें, उन सबका बड़ा बहुत अच्छे भाव से उन सबने संग किया था। तो ऐसे ही जब एक बार की बात, एक बार और हम करते करते तो उसमें डर लगता था कि कहीं गड़बड़ ना हो, तो हमारे शाम हो जाती थी तो हम ना बस आप जैसे मान लीजिए पूरे बसें भर गई तो हम बंद कर दिया, आप नई एंट्री नहीं लेंगे किसी की। एक बार सबसे ज्यादा हमारी बस हुई थी, 5 बसें भर गई थी पूरी, एक बार ऐसा भी हुआ था, तो उसमें हमने बंद कर दिया, लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं और आने के लिए। तो पूजे बाद हमारे जो पूजे नवीन प्रभु जी है उन्होंने आने दो सबको, कहते आप चिंता मत करो सब कुछ मैं देख लूंगा, किसी को रोको मत। मैंने कहा प्रभु जी जहां जितनी प्रसाद की व्यवस्था कम पड़ जाएगी, है ना, कहते नहीं कुछ कम नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, आप चिंता मत करो आने दो, हम छोटी गाड़ी कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, जमीन पे बैठ जाएंगे, कुछ भी किसी को नहीं रोकेंगे। तो सुबह तक जितने आए सबको लिया, 5:30 बसें मतलब 6 बसें हो गई एक तरह से। तो हमारी व्यवस्था थोड़ी बिगड़, लेकिन वो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट, ऐसे लगा था जैसे मिनी कार्तिक हो गया वो, हम जो जहां जहां भी गए हमें बड़ा आनंद आया था। तो वो वाला हमारे लिए बहुत अच्छा रहा था वैष्णव, और भी क्या था कि हाँ, और थोड़े से घर पे हमने थोड़े से वैष्णव प्रोग्राम्स करने शुरू करे, थोड़े से घर में कीर्तन कथा भाई करी थी शुरू, कुछ दिनों में हमने हर वीकली वीकली प्रोग्राम कुछ कुछ करे, और ऐसे लोगों से मिलना बातचीत करना ये तो सदा रहा। और अब गुरु जी की से प्रार्थना यही है कि अपने चरणों की सेवा मिलती रहे हमको, और वैष्णव संघ मिले, वैष्णव कृपा मिले,
और उनकी सेवा मिले, और जो भी उनके चाहते हैं हमसे वैसा कर पाएं, यह अभिलाषा सदा सर्वदा रहेगी। और हरि गुरु वैष्णव की सदा इच्छा रहेगी कि हरि गुरु वैष्णव की सेवा मिले और धाम वास मिले, और आप लोगों का संग जो मिल रहा है, ये कि जो गुरु, जैसे कहते हैं ना, गुरु के भावों को उनके शिष्यों के माध्यम से जाना जाता है, तो ऐसे ऐसे शिष्य हैं उनके, ऐसे ऐसे शिष्य हैं कि जो लगता है कि अनमोल खजाने हैं, अनमोल हीरे हैं। तो मुझे भी, मैं भी प्रार्थना यही कहता हूँ कि कब ऐसा दिन आएगा कि मैं भी, मेरा तो अनर्थग्रस्त जीवन है, तो कहते हैं ना, हमारा जीवन सदा पापे रत, मेरा अनर्थग्रस्त जीवन है, सदा पाप में है। लेकिन वैष्णव की, जैसे कहते हैं ना, वैष्णव के दर्शन होने से, कहते हैं तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, और वैष्णव तुम पवित्र करे आई तुम्हारा गुण, है ना, बोलते हैं। तो वैष्णव के, और भगवान गुरु वैष्णव के दर्शन करने से पवित्र हृदय हो जाए, हो जाता है। तो मेरा भी यही भाव रहेगा कि किस प्रकार से मुझे और वैष्णव सेवा मिले, और किस प्रकार से मैं अपनी भक्ति में अपनी बढ़ा सकूं, और वैष्णव के अभिलाषा को पूर्ण सकूं। जैसे बोलते हैं ना, चित चैतन्य मनोभीष्टम स्थापित बोले, तो गुरु के अभीष्ट ये कह रहे हैं कि, वो कहते हैं ना, जैसे जैसे बोलते हैं कि यंग कली रूप शरीर न दरद, तम ब्रज प्रेम महानिधि कुठित कौन कपाड़। तो यदि यही बात अगर मैं उस रूप में कह सकता हूँ, यदि गुरुदेव नहीं आते तो ये भाव आ ही नहीं पा सकते थे। उनके हृदय से जो छूती हुई हवा निकली, मतलब जो उनके मुंह से जो निकली वाणी, तो आज भी हम अपने गुरु जी का संग कर रहे हैं, वैष्णव के माध्यम से, गुरु उनकी वाणी के माध्यम से, जो हमारे नित्य कथा आती है, जो डेली डेली कथा आ रही है, तो ऐसा लगता है जैसे गुरुदेव आविर्भाव हो, डेली आविर्भाव हो रहा है उनका हमारे हृदय में और हमारे माध्यम से। तो यही कहते हैं, इसी के साथ 9 भी बज गए हैं, और आप बताएं प्रभु जी, आप कुछ बोलें बीच में तो अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया ब्रो जी, बहुत सुंदर। मैं बोलने से पहले कुछ और लोग भी बोलना चाहते हैं आपके बारे में। देखो बहुत हमारे प्रभु जी ने हाथ खड़ा किया। प्रभु जी बोलिए आप। प्रणाम प्रभु जी। हाँ हाँ जी, बोलिए। हरे कृष्ण बड़ा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। अच्छा लगा शिव कृष्ण प्रभु जी के मुखारविंद से वैष्णव के गुणगान। इनका तो जन्म इसलिए ही हुआ है, इन्होंने वैष्णव की सेवा ही करनी, जन्म इसलिए हुआ है। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा, हालांकि मैं इनकी आयु से कम से कम 15 साल बड़ा होगा, पर मैं इनसे सीखा बहुत कुछ। हम आज से कोई पीछे 3 साल पहले हम लोग चित्रकूट गए थे। जी मैं भी अकेला था और ये प्रभु जी भी अकेले थे, हम दोनों एक ही रूम में थे। तो मैं सुबह उठा, तो जैसे रूटीन में मुंह हाथ धो के हरि नाम शुरू कर देते हैं कल, तो प्रभु जी ने कहा कि पहले नाना धोना मैं कर लूंगा। मैं कहा ठीक है आप करो। मैं थोड़ी देर में देख रहा हूं कि आवाज आ रही है, मोबाइल से आवाज आ रही है। मैंने कहा प्रभु जी शुरू से कहां, किससे बात कर रहे हैं? दरवाजा बंद था वॉशरूम का, आवाज तो पूरी तरह से नहीं आ रही थी मुझे। फिर बाद में जब ये बाहर आए अपना स्नान क्रिया करके, मैंने कहा प्रभु जी किससे बात कर रहे थे आप? कितने नहीं, मैं बात नहीं कर रहा था, क्योंकि ये मेरा प्रोसेस है आधे घंटे का। ये दरवाजा बंद करो, ये प्रोसेस आधे घंटे का है, शेव करनी, ब्रश करना, नाना धोना, तो मैं ये आधा घंटा सत्संग चला लेता हूँ, ताकि ये आधा घंटा जो है वेस्ट ना जाए। तो उस दिन के बाद मैं जब मतलब टूर समाप्त हुआ हमारा 3-4 दिन में, तो मैंने भी आके इनकी नकल की, बाथरूम में जो है अपना सत्संग चला लेना आधे घंटे का। तो घर वालों ने कहा ये नई बीमारी कहाँ से डाल ली आपने? कथा लगाई, वही यहाँ तो लगे रहते थे, अब ये बाथरूम तक पीछा नहीं छोड़ा आप लोगों ने। तो बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने अपने और मित्रों को बताया, हमारे विश्वधर महाराज के शिष्य है, डॉक्टर साहब है,
उनको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे कि आधे घंटा आप यूटिलाइज किया करो ऐसा, कहते हाँ ठीक है। तो उन्होंने भी करना शुरू कर दिया आगे ऐसे यूटिलाइज। तो इनका इनकी जो वो है कार्यकलाप है उनको हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो आप आपका जो धोनी में प्रोग्राम करते थे सुबह सुबह संडे का प्रोग्राम करते थे ना, सैटरडे हाँ सैटरडे का, तो उसमें भी कभी कभी सेवा मुझे भी देते थे प्रभु जी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रभु जी का जो है मैं ये नहीं जानता कि मैं तो गोलोक कब 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 जाएंगे ये गोलोक, मुझे नहीं पता इस चीज का, ये तो गुरुदेव जानते हैं। इनके बारे में एक बार जरूर जानता हूं मैं, ये कभी गिर नहीं सकते। जिस पद पे ये है उस पद पे कभी गिर नहीं सकते, ना मुमकिन है। आपका आशीर्वाद होगा बक्का नहीं गिरेंगे। नहीं मेरा आशीर्वाद नहीं है, मेरे ये असेसमेंट है। तो जिस तरह से आपका प्रेम है वैष्णव के प्रति, अभी पीछे एक गोकुल चंद बीमार हुए थे कोई 1.5 साल पहले जी, तो उनका हार्ट का ऑपरेशन हो गया था बाईपास, पर वो ऑपरेशन कुछ समय के लिए सक्सेसफुल नहीं हुआ था। उनकी उसमें पस पड़ जाती थी, फिर एंटीबायोटिक इंजेक्शन ये वो, हाँ पक गया था। उनको 3-4 महीने काफी तकलीफ में उनको सामना करना पड़ा। तो कोरोना चल रहा था उन दिनों पिछले साल। ये शुभ कृष्ण जी पता नहीं घर से वाले को बोल के जाते थे, मुझे पता नहीं, उनकी सेवा करते थे बकायदा, जो भी यथासंभव जो भी सेवा है, प्रसाद मुंह में खिलाना, नहलाना धुलाना, वस्त्र चेंज करने, जो भी मतलब सेवा है, ये कभी हिचकिचाते नहीं है। यहाँ तक कि जो है मेरी तबीयत खराब है, मैं भी जो है एक जगह पे खड़े होकर शूज नहीं डाल सकता। अभी पिछले दिनों हम सत्संग पे गए थे, इन्होंने शूज लेके मेरे पाँव में शूज डालने शुरू कर दिए, तो मैं मना भी करता रहा नहीं प्रभु नहीं, लेकिन नहीं माने। तो बड़ा ये हमारे लिए एक ना वो है, असेट है हमारे मठ। तो रामचंद्र जी इनको प्रेम से मिनी गुरु बुलाते हैं, मिनी गुरु। मुझे नहीं पता मिनी गुरु उनको क्यों बुलाते हैं, क्या विशेषता है इनमें मिनी गुरु, मुझे नहीं पता इस चीज का। और मिनी गुरु के अर्थ क्या है मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन ये संबंध रामचंद्र जी का इनके साथ अटूट है। प्रभु जी रामचंद्र जी एक बार ऐसे रामचंद्र जी की जो एक वो होती है ना, एक मिनट कुछ जैसे ना हाजिर जवाबी कितनी तगड़ी है, एक बार ऐसे मैंने हंसते हंसते बोला कि प्रभु जी दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे तो मेरे 48 गुरु बने। तो कहते तेरा नाम फिर दत्तात्रेय हो जाएगा। मैं इनको प्यार से बोलता हूँ कई बार, मैंने कहा प्रभु जी आपने सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगा रखी हैं। प्रभु जी तो मेरे बहुत प्रेम करते हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। तो कई बार क्या होते हैं, अभी दीदी दीदी बैठी है हमारी, इनके सामने बात नहीं करनी चाहिए, फिर भी कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, जैसे छोटे हैं कोई बात नहीं। तो कई बार मठ में मिलते मैं इनको बोलता हूँ, मैं आपने सारी इंद्रिया जो है आपने भगवान की सेवा में लगा रखी है, वैष्णव की सेवा में लगा रखी है, गुरु की सेवा में लगा रखी है। अरे प्रभु जी कहाँ लगाई है, कहाँ लगाई है, घर का जो है माहौल जो है बदलेगा तभी तभी जो है मैं भगवान की सेवा में जाऊंगा। मैं क्या क्या दिक्कत है आपको, सुंदर स्त्री मिली हुई है, अध्यापिका मिली हुई है, और वैष्णव है, वैष्णव की सेवा करती है, हमें प्यार से हरे कृष्णा बोलती है, धन्यवाद बोलती है, कमी क्या है ये बता पहले। नहीं प्रभु जी मैंने कहा देखो ये नारद जी द्वारा हम शापित है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपनी भक्ति से संतुष्ट हो नहीं सकता। ये नारद जी को वरदान मिला हुआ है भगवान से। तो आप भी उस वरदान के पात्र हैं। मैं इस क्षेत्र में जाऊंगा नहीं ज्यादा, खतरे वाला क्षेत्र है। मैं कोई टिप्पणी दूंगा। बहुत सुंदर, बस ठीक है जी, बस ठीक है भाई। हमारे केशव प्रभु विनोद बिहारी प्रभु अनम्यूट कर लें प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। कैसे हैं आप? बस प्रभु जी बढ़िया, बोलिए जी। शुभ कृष्ण प्रभु की मतलब बहुत अपने आप को ये धन्यता वश
छुपा के रखते हैं और बड़ी मुश्किल से तैयार भी हुए इसमें आने के लिए। आपको पता आपने बोला इनको, पर लेकिन हाँ ये बात सत्य है कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को जो है अपना संग देके गुरुदेव जोड़ा है। हम भी जब नए नए आए थे तो प्रभु जी ने जो है मतलब जो भी नया फेस दिखता था प्रभु जी जाके जो है उससे बात करते थे, पूछते थे हाल चाल। और ऐसे ही मेरे को भी इन्होंने देखा मठ में, तो इन्होंने मेरे से आके बात करी और अपना संग प्रदान किया। और पहली बार नवदीप भी इन्हीं के साथ में गया, मुझे नहीं पता था कुछ। पहली बार कार्तिक में भी इन्हीं के साथ गया। और क्या होता था कि पहले मैं वहाँ किशनगंज रहता था, तो वहाँ पे से जैसे सुबह सुबह निकलते थे, कभी 3-3:30 बजे ब्रज के लिए निकल रहे हैं परिक्रमा में, तो वहाँ से यहाँ आना संभव नहीं हो पाता था। तो प्रभु जी जो है अपने घर पे ही मुझे रात में रुकवा लेते, अपने घर में रात में रुकते थे इनके यहाँ, और फिर जो है सुबह सुबह तैयार होकर वहीं से निकल रहे। और इन्होंने मतलब दोनों ने जो है इतनी वैष्णव सेवा करी, अपने घर पे इतने सब वैष्णवों को बुला के हर हफ्ते प्रोग्राम करना, हर हफ्ते प्रोग्राम करना। और कितनी बार मैंने देखा कि दीदी की और प्रभु जी की आपस में झगड़ा भी होता था, लेकिन जब वैष्णव सेवा की बात आती थी तो दोनों जो है इतना तत्परता से, इतना उत्सुकता से जो है सेवा करते थे। मैंने बहुत क्लोजली इनको देखा। और प्रभु जी कितनी बार हम मेरे को बोल चुके हैं कि कह रहे मेरा परिवार है ना यही वैष्णव परिवार ही, कह रहे मेरा और संसारिक कोई परिवार है नहीं। और वाक्य में कि इनके और कोई जैसे रिश्तेदारी वगैरह में इतना ज्यादा कुछ इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, और केवल वैष्णवों के संघ में ही, और वैष्णवों का मतलब उन्हीं को ये वाक्य में अपने हृदय से जो है अपना मानते हैं। तो प्रभु जी की बहुत कृपा है और महिमा है, मेरे प्रदर्शक गुरु हैं, इन्होंने जो है प्रभु जी मेरे मेरे आप हो गुरु, प्रदर्शक गुरु। नहीं ये बहुत अच्छे। और प्रभु जी इसमें हम इस मीज में नवीन कृष्ण प्रभु को भी नहीं भूलेंगे, और पूजे बाद हाँ ये इनके बोलनी बात है, क्योंकि इनके भी मेरे भी जीवन पे बहुत अच्छा आदर्श रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, जन्मभूमि पर नाम प्रभु जी। प्रभु जी इन्होंने मुझे मंगल आरती के लिए प्रेरणा दी, मैं उठना शुरू हुई मंगल आरती में। कैसे प्रेरणा दी प्रभु जी? प्रभु जी रोज बोलते थे मुझे, दीदी मंगल आरती में उठना चाहिए, जाना चाहिए, तो बस सुन सुन के हो गया। मुझे हमारे जीवन में ना नवीन कृष्ण प्रभु जी की सेवाएं देखते हैं तो मुझे भी बहुत वो होता है कि मुझे इनकी जैसी सेवा मैं भी कभी कर पाऊंगा। जब मैं इनको थोड़ा सा बताता हूँ, जैसे ये जैसे शुरू शुरू में जब इनसे इंटरेक्शन होता था तो नवीन कृष्ण प्रभु के साथ, तो ये भगवान जी को ना वो मक्खन का भोग लगाते थे बिना नागा के, हमेशा मक्खन का। कभी कशी वैसे वृंदावन गए तो फोन कर देते थे कि तुम आज मेरी तरफ से वहां दे आओ, यहाँ से दे आओ, तो मतलब कभी भूले नहीं। गुरु जब गुरु जी की तबीयत खराब हुई तो गाय के दूध की जरूरत थी, तो कहीं कहीं से भी ढूंढ डांड के लाना, नवदीप में सेवा करना, वैष्णव की कोई सेवा को छूटना नहीं, गुरु जी के प्रोग्राम को भी चूकते थे। तो मतलब उनके प्रति भी मेरा एक बहुत अनमोल वो है कि, और हर रूप में उन्होंने सेवा करी। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे के पूरे शरणागत है, और इनका पूरा परिवार है, तो इसलिए इनका बड़ा रहता है। और पूजे विनोद प्रभु जी, पूजे बाद नवीन कृष्ण प्रभु जी, ये मेरे बड़े वो रहे हैं, बड़े संगी और क्लोज, और मेरे आदर्शवान, और नीरज प्रभु जी भी खास तौर पे। तो इन लोगों का भी मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, कि उनको चाहता हूँ कि ये लोग मेरे पे कृपा हमेशा बना के रखेंगे। कमल प्रभु जी भी हैं, ठीक है, नरेंद्र प्रभु जी की बहुत सेवाएं, अनेक अनेक सेवाएं, मतलब कोई वर्णन अगर शब्दों में, सबसे बड़ी देखो प्रभु जी, एक बार क्या जब उन्होंने रेस्टोरेंट चला रहे थे तो किसी ने रेस्टोरेंट में दो तरह का खाना होता था, प्याज लहसुन वाला भी होता था, जो वैष्णव लेंगे बिना प्याज। तो एक बार किसी वैष्णव दीदी ने बोला कि तुम प्याज लहसुन कैसे खिला सकते हो सबको, जिस दिन बोला उस दिन उन्होंने छोड़ दिया, रेस्टोरेंट ही बंद कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इनका रेस्टोरेंट जो चलता था ना, तो ज्यादातर समय ना तिथियां आ जाती थी, कभी भागवत सप्ताह होता था बंद कर देते थे और चले जाते थे भागवत सुनने के लिए, बंद कर देते। लेकिन जब कभी ऐसा हुआ कि ज्यादातर मतलब बंद काफी समय रहता था, खुला कम रहता था, लेकिन जब दीदी ने बोल दिया ना, कि दीदी ने जब ये बोला कि आप कैसे प्याज लहसुन खिलाते, उसी क्षण उन्होंने बंद ही कर दिया। फिर कहते हैं वो बंद ही कर, कहते बंद ही कर दूंगा, क्यों प्याज लहसुन के बिना कोई
चलेगा नहीं रेस्टोरेंट और कोई फायदा नहीं, तो उन्होंने कहते अब बंद है, क्योंकि उनके मुख से निकला उन्होंने कहा आपकी आज्ञा को पक्का मानूंगा। क्या मतलब, ये क्या होता है, शरणागत जीव का सबसे बड़ा लक्षण होता है कि कोई भी वैष्णव आज्ञा दे उसको एकदम मान लेते हैं एकदम। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों को सुन के दोनों का। पहले सीता जी ने बड़ी अच्छी तरह से, मैं थोड़ा म्यूट कर देता हूँ जहाँ से आवाज आ रही है ताकि हमारी डिस्टर्बेंस थोड़ा कम हो। और अगर और भी कोई कोई बोलना चाहते हैं तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। अच्छा आपने खड़ा किया, चलो बोलिए प्रभु जी, आप अनम्यूट कर लें। दीदी के बारे में तो सबने बोल दिया, मैं थोड़ा दीदी के बारे में बोलना चाहूंगी। जी हाँ जी हाँ, बोलिए। दीदी ना बहुत सरल भाव है, हमेशा ना पीछे पीछे रहती हूँ, कभी किसी के सामने आती नहीं है, लेकिन वैष्णव सेवा में हमेशा तत्पर रहती हूँ। और जो भी मतलब इनके दीदी के यहाँ घर में प्रोग्राम होता है तो ये एक से एक प्रसाद बना के, मतलब कोई भी आइटम वैष्णव सेवा के लिए ऐसे मतलब एक से एक चीजें बनाती है, और कोई भी सेवा होना फटाफट तत्पर होती है और पीछे पीछे रहती है, बोलती नहीं है किसी से, और फिर कोई वैष्णव के सामने प्रसाद भी नहीं पाती, मतलब ऐसा दीदी का इतनी निष्ठा है वैष्णव के प्रति, तो दीदी का भाव बहुत अच्छा लगता है, यही बोलना था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नवीन बोलिए। हाँ प्रभु जी बोलिए। हाँ प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी बोलिए, आपने हाथ खड़ा किया। हरे कृष्णा भाई बोलिए। अभी दीदी ने बोला है अपने शुभ किशन जी के पत्नी के बारे में, चिता देवी के बारे में, कि भाई ये सामने नहीं आती, बड़े आराम से पीछे से सेवा करती है। तो रामचंद्र प्रभु की पूरी चेष्टा रहती है इनको आगे लाने में। यहाँ तक के एक बार प्रोग्राम हुआ था, बट मुझे अच्छी तरह याद है, वैसे तो हर साल होता था प्रोग्राम हमारा जन्माष्टमी नंद उत्सव के बाद में, बच्चों का फैंसी ड्रेस का प्रोग्राम होता था, तो उसमें एक चेयरमैन को बनाते थे, चेयरमैन चेयरमैन डिसाइड करता था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है। तो सीता देवी को एक बार चेयरमैन बनाया हुआ, ऐसी बात नहीं कि वो पीछे रहती है। मुझे अच्छी तरह याद है, अगर इनको याद है तो। प्रभु आप भी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। आइए, कैसे हैं आप? बस प्रभु आशीर्वाद है आप लोगों का, गुरु जी का। आप सब ठीक है? हाँ प्रभु, सब आनंद में। लोगों ने सबको बिजी कर रखा सेवा में, आया करें आप। हमारे शुभ कृष्ण प्रभु आज दिवस है बोलने का, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि जैसे कोई अपने घर वाले का किसी का कुछ फेस्टिवल हो, अंदर से ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं जी। ताकि गुरु जी का फंक्शन है उसमें रोज ही ऐसा लगता है, बट एक विशेष होता है ना, अपना कोई संबंधी बोल रहा हो तो जी। प्रभु जी ने खूब सेवाएं की हैं, मैं भी जब मठ जाना शुरू किया था तो प्रभु जी ने मुझे भी, जैसे विनोद प्रभु जी ने बताया तो इन्होंने मुझे भी बोला कि माला करते हो नहीं करते, ये प्रभु जी का योगदान है ना। सही, किसी ने हमारे लिए कुछ किया हो तो उसके लिए हमें ऋणी ऋणी समझना चाहिए अपने आप को हृदय से। व्यक्ति अगर कृतज्ञ नहीं है ना तो फिर गुरु जी बोलते हैं वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो प्रभु जी जो भी आता था उसको बोलते थे बस ले जाना यहाँ से वृंदावन। बहुत सारी सेवाएं प्रभु जी ने की हैं, बहुत सारी। ये खुद गुणी है इसलिए दूसरों के गुणगान कर रहे हैं। नहीं ये तो गुणी है, आप लोग भी गुणी हो, मैं देख रहा हूँ आपने भी बड़ी सेवाएं करी है। आप लोगों प्रेम है, गुणी है, मैं देखा है। आप लोगों ना ये तो प्रेम है कि आप ऐसे बोल रहे हैं। आपका तो पूरा परिवार ही करता है और हम सब सबको देखा है। प्रभु जी ने भी जैसे सीता दीदी बता रही है उन्होंने भी बड़ी, तो बड़ा अच्छा लगा। प्रभु जी और कुछ आप बोलना चाहेंगे के बारे में? हमारी दीदी है सीमा दीदी, ये भी बहुत मतलब बड़े अच्छे से, बड़े सरल स्वभाव की है, बहुत ही अच्छे से मतलब सबकी सेवा करनी, सबको पूरा यथा योग्य सम्मान देना है ना, और खूब मतलब नियम से मतलब आना मठ में, सब कुछ कथा सुनना, अभी आजकल विजय प्रभु की कथा में नियम से आ रही हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से सुनती हैं, प्रसाद की व्यवस्था करती हैं सारी, तो बड़े अच्छे से सब लोग, ये पूरा परिवार इनका अपने आप में अच्छे से लगा हुआ है। तो आपका ज्यादा, आपका समय भी हो गया, मैं ज्यादा समय ना लेकर के। ठीक है प्रभु जी, बहुत धन्यवाद आपने हमारे शुभ कृष्ण प्रभु जी के लिए बहुत अच्छे अच्छे शब्द कहे, और
वो और उनके परिवार बड़े अच्छे हैं। सीता दीदी ने बड़ी सुंदर तरीके से आज का कार्यक्रम शुरू किया। ये तो बचपन से ही भक्ति इनको विरासत में मिली है, इनके ऐसे पिताजी जो ऐसे वैष्णव भक्त थे जो रोज गीता पाठ करते थे, और जब जाने लगे तो उन्होंने गाया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, मीरा बाई की तरह। और फिर एकादशी के दिन उन्होंने अपने शरीर छोड़ा। तो ये सब संकेत इस बात के हैं कि उनका जीवन कैसा ऊंचा रहा होगा, कैसा आदर्श में रहा होगा, और उनकी जो संतान है वो भी स्वाभाविक रूप में ही भजन निष्ठ होंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, और हम देख भी रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि जब गुरुजी से पहली बार मिली, ऊपर से इन्होंने दर्शन करे तो इनको लगा कोई दिव्य महात्मा बैठी है गुरुजी के दर्शन करके, और उनको बिजली सी कौंध गई, ऐसा इन्होंने कहा, और उनकी नीली आंखों में खो गई, ऐसे इनके शब्द थे। क्योंकि और कुछ बोल नहीं पाए, कुछ निशब्द हो गई। तो उन्होंने पूछा, आज पहली बार आई हो? गुरु जी कितने प्यार से पूछते हैं कि वो देख है कि भाई कोई नई नई गोपी आई है जो मेरे को देख के एकदम मुग्ध हो गई है। तो गुरु जी पूछा, आज पहली बार आई हो? और फिर उन्होंने कहा, आते रहना। तो बड़ा अच्छी पहली मुलाकात उन्होंने डिस्क्राइब करी। और फिर दीदी ने जैसा कहा कि पहले माता जी की पूजा करते थे और माता जी के भक्त थे, अब पूरी तरह से उनको छोड़ के कृष्ण की तरफ कैसे आ जाए, बड़ा अपराध का डर लगता था। तो कैसे गुरु जी के सामने बैठ गए, और महाराज जी ने सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मां सुजा, इस श्लोक का व्याख्या कर दी, और उस समय सामने ही बैठी हुई थी। और इनको लगा कि सब कुछ मेरे लिए गुरु जी कह रहे हैं, और उस दिन से इन्होंने बिना डर के गुरु जी को संपूर्ण रूप में समर्पण किया, और तुरंत कहा कि दीक्षा लेना चाहती हैं। तो उन्होंने कहा, बेटी कल सुबह आ जाना। और फिर उनसे पूछा गया, कृष्ण भक्ति करना चाहती हो? महाराज जी कैसे सरल सरल प्रश्न पूछते थे, लेकिन उन प्रश्नों में आपको जीत लेते थे उनके आपके हृदय को। और उन्होंने भी कहा बड़े सरल भाव से कि मैं चाय पीती हूँ, लहसुन प्याज तो नहीं खाते लेकिन चाय पीती हूँ। उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, हरिनाम करो सब ठीक हो जाएगा। ये चाय पीना या लहसुन प्याज खाना इतने बड़े महात्मा के लिए बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत ही ज्यादा छोटी, वो तो उनके दर्शन मात्र से उड़ा सकते हैं इन चीजों को, इसलिए इनको ज्यादा जोर नहीं देते इन पे। आपने देखा होगा कई कई जगह बहुत इन चीजों पे जोर दिया जाता है, लेकिन गुरुदेव को क्या, ये बहुत छोटी चीजें, उनके संग मात्र से, उनके दर्शन मात्र से चीजें दूर हो जाती है। और हमने अपने कार्यक्रम में देखा भी, अनेक लोगों का ऐसा हुआ भी है, इसलिए ये सब चीजें कुछ बहुत खास चीज नहीं, गुरुदेव के लिए बहुत छोटी, फूक मार के उड़ा देंगे इन सब चीजों को। इसलिए कहा कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, कुछ नहीं होता, हरिनाम करो। और चंद सरोवर की बात उन्होंने कही, किस तरह से इनके पुत्र को गुरु जी ने बचाया। उन्होंने कहा, मेरा बेटा बहुत चंचल है कृष्ण, तो गुरु जी देखो कैसे कह रहे हैं, कृष्ण भी तो चंचल है, बड़े हो गए एकदम शांत हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, इन्होंने कहा कि अब एकदम शांत हो गया, गुरु जी की वाणी एकदम सिद्ध वाणी है, जो भी वो कह दे वो होता ही होता है। और फिर इन्होंने कहा, एक बार रो रही थी अचानक से, तो गुरु जी इस पास आ गए, रो क्यों रही हो बेटी, फिर क्या आशीर्वाद, या हरिनाम करते रहो आपकी भक्ति बढ़ेगी। तो धन्य है वो लोग, वो शिष्य जो गुरुदेव से ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि आपकी भक्ति बढ़ेगी, गुरुदेव ने इनको कहा। और फिर उन्होंने ये भी कहा, जब गुरुदेव कहीं बैठते थे वहां से चले जाते, तो कहते हैं उस स्थान में इनको वहां की एनर्जी की अनुभूति होती है। और ये बात ठीक है, जहां वैष्णव बैठे हो, जहां उनका आना जाना हुआ हो, वो स्थान एकदम चिन्मय हो जाता है वहां पे, उनकी जाने के बाद भी उनकी एनर्जी वहां रह जाती है, वो छोड़ जाते हैं सिग्नेचर अपना। और ये तो इसको नापा जा सकता है, आजकल तो ऐसे ऐसे यंत्र आ गए हैं जो कि इस एनर्जी को भी नाप सकते हैं, ये पॉजिटिव एनर्जी जो है संत महात्माओं के आने से आती है, उसको भी नापा जाता है, नाप सकते हैं। और फिर एक इन्होंने कहा, बड़ा सुंदर सुंदर बड़े प्यारे प्यारे इंसिडेंट इन्होंने डिस्क्राइब करे हैं, कि एक बार जब ये गुरु जी के मठ में थी, वहां पे निकल से गोवर्धन मठ में, तो दरवाजे पे खड़ी, तो गुरु जी ने इनको अपने आप बुलाया, इधर आ जाओ बेटी, तुम्हें बुला रहा हूँ जो दरवाजे पे खड़ी हो। इनको लगा कि शायद किसी और को बुला रहे, मुझे क्या बुलाएंगे, लेकिन इन्होंने कहा तुम्हें ही बुला रहा हूँ जो दरवाजे पे खड़ी हो। तो ऐसे गुरुदेव देखो हर एक की ध्यान रखते थे, और हर एक को पर्सनल अटेंशन देते थे, कोई उनकी नजरों से इधर उधर नहीं, और सबका सबको व्यवस्था भी करते थे सबके लिए उचित रूप से।
और जो 2018 की बात उन्होंने नवदीप धाम की बताई, बड़ी हृदय स्पर्शी थी। किस प्रकार तबीयत खराब होने पर भी इनके जाने के प्रति इतनी लालसा थी। इनके पति ने कहा, शुभ कृष्ण प्रभु ने कहा कि अगले स्टेशन पर उतर जाना, मैं लेने आ जाता हूँ। इन्होंने फोन नहीं उठाया जानबूझ के कि भैया लेने आ गए तो मेरी ये ट्रिप कैंसिल हो जाएगी। आप सोच लो, ये यात्रा शुरू हुई और तबीयत खराब हो गई, और अभी पूरा दिन लगेगा जाने में, या कितने 24 घंटे की जर्नी है। लेकिन इन्होंने बड़े हिम्मत करके ये उसमें बैठे रहे। मुझे नहीं पता आज साथ में कितने लोग थे, आपने बताया नहीं शायद कि आपके साथ कितने लोग जा रहे थे या अकेले थे, मुझे नहीं पता। लेकिन जो आपकी जो लालसा थी वहाँ जाने की, वो बड़ी ही अच्छी। और फिर वहाँ पहुँच के भी जो आपने डिस्क्राइब किया बहुत ही सुंदर, धाम को उतरते ही आपने प्रणाम किया और बोला गुरुदेव मैं आ गई। तो ये देखो, ये होता है कनेक्शन भक्तों का गुरु जी से। हर चीज में गुरु जी के प्रति संवाद करना, उनसे बोलना, उनसे सुनना, प्रणाम करना, तो ये इनका बड़ा अच्छा लगा संबंध कि गुरुदेव मैं आ गई। और फिर आप देखो, कोई व्यवस्था भी नहीं वहां पे, एक स्त्री के लिए ऐसे जाना कोई व्यवस्था ना होना। उन्होंने कहा मैं बरांडे में ही रह लूंगी या समाधि पे सो जाऊंगी, यहाँ पे ऐसे कहीं भी मैं अपना वो कर लूंगी। और फिर धीर कृष्ण प्रभु ने उनको मिले, जिनके ऐसे सरेंडर्ड भाव है, उनको गुरु जी कभी छोड़ नहीं सकते अकेले ऐसे बरांडे में सोने के लिए। तो धीर कृष्ण प्रभु देववश वहां पे आ गए और उन्हें पूछ लिया आप कहाँ से आई हो। फिर ऐसा पूछ के उन्होंने कमरा भी दे दिया, रूम मिल गया उनको, बिना उनका बिना मांगे बिना इच्छा करे ये तो कहीं भी रहने को तैयार थी। और फिर अंत में इन्होंने कहा, जो कि बाकी सब भक्तों ने भी इनके प्रति कहा है, कि वैष्णव की सेवा ही सब कुछ है, इसी से सारा कुछ होगा। और ये वैष्णव सेवा तो हम बाकी सब लोगों से भी सुन चुके हैं किस तरह से दीदी वैष्णव सेवा करती हैं। तो बहुत ही हृदय स्पर्शी इनका संबंध देखने को मिला इनकी बातों से आज। हमें ऐसा लगा गुरु के प्रति बड़ा ही समर्पण और बड़े ही मधुर भाव और बड़े ही लालसा, धाम के प्रति बड़ी निष्ठा और वैष्णव के प्रति बड़ी निष्ठा, ये सब हमें आज देखने को मिली। और श्रीपाद शुभ कृष्ण प्रभु ने बड़ा अच्छा कहा, यूथ इस्कॉन में जाते थे पहले, पहली बार उन्होंने यूथ को देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये जवान जवान लोग क्या कर रहे हैं, बूढ़े लोग भजन करते हैं नॉर्मली, साधारणतया लोग ऐसा ही सोचते हैं। और फिर कीर्तन में नृत्य किया, बड़ा अच्छा लगा। फिर राधा रानी जी से इन्होंने प्रार्थना करी कि अगर आप मुझ पर कृपा होंगे, आपका ये फूल या तो आपके हाथ से हिल जाए या मेरे पास आ जाए। तो वैसा ही बात, उनके 10 मिनट के अंदर ही राधा रानी का फूल जो है किसी भक्त को मिल गया। तो इनको इंडिकेशन मिल गया कि राधा रानी की मुझ पर पूरी कृपा है, मुझे गुरु मिलेंगे। जनकपुरी मठ आ गए, जनकपुरी मठ को कितने कष्ट से ढूंढा, ये उन्होंने बताया। देखो मतलब गुरु पाने के लिए कैसी लालसा है, पूरा जनकपुरी को छान मारा, कहाँ मठ, कहाँ गौड़ी मठ, कहाँ गौड़ी मठ। हमको पता होता गौड़ी मठ कहाँ, फिर भी हम जाते नहीं, हो सकते चलो कल चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जब मिलती नहीं चीजें तो देखो कैसे आदमी तड़प के उसको ढूंढता है। और फिर भी नहीं मिला, तब उन्होंने किसी ने फिर उनको बताया कि यहाँ पे ऐसा मठ है। और फिर पालकी के दर्शन में, पालकी के साथ ही इन्होंने कीर्तन शुरू कर दिया सबसे पहले गुरुदेव के सामने, और साथ साथ रहे पूरे टाइम। और फिर इन्होंने ये भी कहा कि मेरे कंधे पे हाथ रखकर बोले मैं तुम्हें जानता हूँ। गुरुदेव ने ऐसा कहा, गुरुदेव किसको नहीं जानते, सभी को जानते हैं। हम ही उनको जान ले बहुत बड़ी बात है कि गुरु कौन है हमारे, गुरुदेव तो हम सबको जानते ही है। फिर इन्होंने कहा कि ये जगह कोई अलौकिक है, नवदीप धाम के बारे में ऐसा कहा। ऐसा ये फीलिंग होता है वहां पे, जो स्पेशली जो पहली बार जाते हैं इनको बहुत ही चिन्मय भूमि नवदीप धाम। और वहां पे अगर जब कीर्तन होता है बड़ा एक्सटेटिक, तब महाप्रभु की याद तो आती आती कि महाप्रभु भी किसी समय यहाँ पे ऐसे ही कीर्तन कर रहे होंगे, इस गंगा जी के किनारे, इस रेत के ऊपर या इन जंगलों में, महाप्रभु भी ऐसे ही जैसे कीर्तन और ऐसे करते होंगे। फिर ट्रेन की बात उन्होंने कही, कैसे पूरे डिब्बे में सब भक्त लोग भरे होते थे, कीर्तन कथा प्रसाद। मैं सोच सकता हूँ कि कितना आनंद का माहौल होता होगा ट्रेन में, वो पूरा 24 घंटे जितने भी समय लगता है। परिक्रमा के प्रति निष्ठा की, गुरुजी ने इनको बात बताई कि आप बारिश हो रही है परिक्रमा में नहीं गए, हम तो हमेशा जाते थे, फिर तुरंत प्रभु जी गए। और उन्होंने गुरु जी से पूछा, बताया एक बार कि मेरी भक्ति कैसे बढ़े। तो गुरु जी ने क्या कहा, कितना अपने आप को दे सकते हो, जितना हम दे सकते हैं उतनी हमारी भक्ति बढ़ेगी, जितना गुरु जी के प्रति हम अपने आप को समर्पण करते जाएंगे उतनी हमारी भक्ति बढ़ेगी, जितना हम अपने आप को बचा के रखेंगे, अपनी चीजों को अपना मान के बचा के रखेंगे, उतना ही हम वंचित हो जाएंगे। तो ये तो खोने का मार्ग है, जितना खो देंगे उतना पा लेंगे।
और जितना ही हम पा के रखेंगे उतना सब खोया रहेगा मामला। तो ये इन्होंने बताया। और इनकी इच्छा थी कि इनको नई माला मिले, गुरुजी ने वैसा ही किया, इनकी माला ले ली, इनको नई माला प्रदान कर दी गुरुजी के हाथ से और वो माला किसी और को दे दी। तो कैसे गुरुजी हर हृदय की छोटी छोटी इच्छाओं को भी पूरा कर देते हैं। और फिर उन्होंने गुरुदेव से पूछ लिया, एक बार आप मुझ पे कृपा कीजिए गुरुदेव। फिर कह रहे हैं गुरुदेव गंभीर हो गए और थोड़ा आगे जाके फिर वापस आके बोले, क्या मैंने तुझ पे कभी कृपा नहीं करी? देखो यही तो मुख्य बात है, शिष्य को गुरुदेव की कृपा को समझ ले, अगर गुरुदेव ने मेरे लिए क्या नहीं किया। तो फिर ये अभी उन्होंने बताया कि अब समझ में आता है कैसे गुरुदेव ने हर समय हमारे पे कृपा करी। उनकी कृपा से ही हमारा सांसें चल रही हैं, उनकी कृपा से हमारा जीवन धारण हो रहा है, उनकी कृपा से हम कुछ भजन कर पा रहे हैं, वैष्णव सेवा कर पा रहे हैं, सब उनकी कृपा का ही फल है। और क्या है, कितने लोग जीवन में ऐसा कर पाते हैं? अपने आसपास ऑफिस में देख लो आप, कितने लोग भजन करते हैं, कितने लोग वैष्णव सेवा करते हैं, कितनों का वैष्णव के प्रति अनुराग है, कितनों का भजन के प्रति आकर्षण है, कहाँ है? अब हम लोग कर पा रहे हैं तो इसका मतलब गुरुदेव की बड़ी कृपा तभी कर पा रहे हैं, तो कैसे कर पाएंगे? गुरु कृपा बिना नहीं कोई साधन बल, प्रभु जी ने कहा सचमुच उसके बिना कोई भी साधन बल नहीं है। और गुरुदेव की इन्होंने बहुत बहुत तरह से महिमा भी गाई, किस प्रकार गुरुदेव रसिक थे, किस प्रकार उन्होंने रस विचार को जैव धर्म के अंत में प्रकट किया, जिसके ऊपर की उन्होंने फिर प्रस्तावना में लिखा भी, क्यों इसको लिखना ठीक है, नहीं तो ये सब चीजें लुप्त हो जाएंगी अगर इनको इनको नहीं दिखाएंगे। तो लोग हमको कथाएं भी सुनाते थे बड़ी ऊंची ऊंची, हालांकि हम लोग कोई भी उसके अधिकारी नहीं थे, लेकिन फिर भी गुरुदेव सुनाते थे ताकि हमारे हृदय में लोभ पैदा हो और कभी हमको वो चीजें प्राप्त हो। उन्होंने व्यास पूजा की बात बताई आनंद धाम में, किस प्रकार गुरुदेव बड़े कष्ट से, जिन्होंने देखा वो जानते हैं कितनी भीड़, धक्का मुक्की और गर्मी, और हम तो जाके लाइन में लग के पूजा करके अपनी भेंट दे के निकल जाते थे, फिर उसके बाद अपना आराम करते थे। गुरुदेव तो सुबह से शाम तक बैठे रहते थे इतनी उम्र में भी, और इतने भीड़ भड़क्का में भी गुरुदेव वहां से हिलते नहीं थे, और सबको मन को शांति दे के, सबकी पूजा को ग्रहण करके फिर उठते थे। कितना मुश्किल, मतलब घंटों घंटों बैठे रहना इस उम्र में भी, तो गुरुदेव ऐसा करते थे। लेकिन फिर प्रभु जी की अनेक सेवाएं के बारे में अनेक भक्तों ने बात की, कैसे बस भर भर के पांच पांच बस लेके जा चुके हैं। तो ये बसों को भैया मैनेज करना भी आसान नहीं होता, मुझे भी याद है हम लोग जब कश्यप जी के साथ एक दो या तीन बस ले जाते थे तो बड़ा मुश्किल होता था, हर एक की इच्छाओं को पूरा करना, व्यवस्था करना, प्रसाद व्यवस्था, कीर्तन व्यवस्था, कथा व्यवस्था हर बस में। तो प्रभु जी ने सब सेवाएं करी हैं, तो बड़ी सराहनीय है सारी सेवाएं। और प्रभु जी जिस तरह से कई लोगों को इन्होंने जोड़ा है, विनोद बिहारी प्रभु, हमारे नवीन कृष्ण प्रभु, इन्होंने सबने बताया, तो ये सब भी बड़ा ही सराहनीय है और बड़ा ही अच्छे वैष्णव प्रभु जी हैं और वैष्णवचित सेवा कर रहे हैं। दीदी भी आपको हमारा प्रणाम है और आपका बड़ा धन्यवाद, आप कार्यक्रम पे आए, बड़ी मुश्किल से आए लेकिन आए तो सही। देर आए पर दुरुस्त आए। प्रभु जी के लिए बहुत दिन से कोशिश कर रहा था लेकिन प्रभु जी के लिए थोड़ा शर्मा रहे थे। तो आपको बड़ा बड़ा धन्यवाद, बहुत आपके चरणों में प्रणाम और सभी भक्तों को भी प्रणाम। कल हमारी बहुत ही विशेष तिथि है, संडे का दिन है, श्री नर हरि सेवा विग्रह जी की शुभ तिरुभाव तिथि है और हमारे साथ हमारे पूज्यपाद संजय प्रभु जी होंगे, बहुत ही उत्साहित हैं वो, इनके बारे में बहुत कुछ कहने को, नर हरि सेवा विग्रह जी के बारे में। और दूसरे महाजन हमारे पूज्यपाद श्री भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज जी की भी शुभ आविर्भाव तिथि है, तो इसका हम पालन करेंगे हम कल हमारे पूज्य संजय प्रभु जी के साथ। संडे का दिन है, आप लोग अवश्य ही आए और सभी लोग कथाओं को श्रवण करें। तो आज के कार्यक्रम को हम यहीं पे विराम देंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर भक्त विनाम संकीर्तन की जय। गौर आनंदे हरि 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 बोल। भक्ति संबंध प्रशंग महाराज की जय। तदीय सब लोगों को, सब वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। मेरी गलती वो क्षमा करना, कोई त्रुटि हो गई हो सबको क्षमा दे जाएगा। गलती नहीं, बहुत सुंदर बोला, धन्यवाद।
मेरा आप आशीर्वाद आशीर्वाद जरूर बनाए रखिएगा। हम्म,